हेलो दोस्तों, उस समय वर्कशॉप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको एमएस वर्ड बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि आप एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे बंद करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पहले लाइक और सब्सक्राइब चैनल को भी कर दीजिए। तो देखिए, एमएस वर्ड को आप दो तीन जगह से स्टार्ट कर सकते हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले तो स्टार्ट बटन पे जाइएगा और यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, या फिर आप इसमें जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा होगा टाइप हियर टू सर्च, उसमें वर्ड टाइप कीजिए और उस पर डबल क्लिक कीजिए। फिर राइट साइड में रिलोड होने के बाद एक ऑप्शन आता है ओपन का, वहां से ओपन कर लेना। ठीक है, हम यहीं से आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। तो देखेंगे कि हमारा जो एमएस वर्ड है ये ओपन हो गया। हम आपको अभी एक और तरीका बताएंगे जिससे कि आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर एक ऊपर सबसे ऊपर होता है एमएस वर्ड, जो होता है उसके सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन साइड में जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, और ये होता है हमारा, हाँ, हमारा टाइटल बार, जिसमें डिफॉल्ट नेम दिखाता है। और डिफॉल्ट नेम हमारा एमएस वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट 1, और ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें हमारे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और कुछ लाने पड़ते हैं। और ये हमारा वर्ड है, तो एमएस वर्ड तो है ही हमारा, और उसके बगल में डॉक्यूमेंट 1 दे रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट 1 उसका डिफॉल्ट नेम है। जैसे कि आप कोई भी आप भी अगर एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है, और उसका एक्सटेंशन जो होता है .doc। अगर आपसे पूछ दिया कहीं पे कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो आप बोल देना .doc। तो ठीक है, अभी ये तो आपने देख लिया, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। तो ये होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, जिससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, और ये होता है मिनिमाइज, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये टास्क बार पे यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अब चाहते हैं, ऐसा हो गया कि आपने एमएस वर्ड तो ओपन किया लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है, तो आप इस पे राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पर टास्क बार पे। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टास्क मैनेजर, मतलब जो भी आपने काम किया रहेगा वो आप यहाँ से इंड कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इंड टास्क, एक ऑप्शन आएगा जिसको आपको हटाना है, उसको हटा सकते हो। ठीक है, एमएस वर्ड को ऑन ऑन करने का दूसरा तरीका, आप रन कमांड से ओपन कर सकते हो। तो Windows+R प्रेस कीजिएगा तो ये एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें अगर आप वर्ड लिखे या एमएस वर्ड लिखे ये ऑन ही नहीं होगा। जैसे मैं इसमें वर्ड लिखूंगा तो ये नहीं ऑन होगा, क्योंकि इसका जो रन कमांड से ओपन होने का एक्सटेंशन होता है, या फिर कोई कुछ भी बोल लो उसको, वो अलग होता है, इसीलिए ये यहाँ से ओपन नहीं होगा अगर वर्ड लिखेंगे तो। और इसमें देखिए, मैं अगर वर्ड लिख दिया, अभी मैं ओके क्लिक करूंगा या फिर एंटर, तो देखेंगे कि ये ऑन होगा ही नहीं। देखो यहाँ दे दिया विंडोज कैन नॉट फाइंड वर्ड, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली, मतलब ये बोल रहा है कि इसको आप दोबारा सही से टाइप कीजिए। ये विंडोज जो है इस वर्ड को टाइप नहीं, मतलब सर्च नहीं कर पा रहा है, तो सीधा सीधा बोल रहा है कि वर्ड यहाँ से एक्सेस नहीं करेगा, मतलब इसको आपका ये रॉन्ग फॉर्मेट है, इसकी जगह पर आपको विन वर्ड लिखना होगा। जैसे वर्ड है तो वर्ड नहीं लिखिएगा बल्कि विन वर्ड लिखिएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी ओके पर क्लिक कीजिए या फिर एंटर कीजिए, दोनों तरीके से ये आ जाएगा। अभी ओके क्लिक किया, देखिए वर्ड तो ओपन हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये एक वर्ड ओपन होता है, तो सिंपल एक ऑप्शन खुलता है जिसमें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अलग अलग ये जो ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, वो सारे टेबलेट्स है, और नीचे जो रिसेंटली फाइल्स यूज की गई हैं वो है। जैसे आपको ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, इस पे क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या फिर इतने सारे टेम्पलेट्स है, मोर टेम्पलेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि स्क्रॉल करके आप नीचे आ रहे हैं, तो अभी बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स। इससे आप अलग अलग फाइल्स को ओपन करेंगे, जैसे अलग अलग तरीके का फाइल इसमें बनाना है, जैसे कोई रिपोर्ट रेडी करना है, या फिर अलग अलग जगह पर, या फिर ये मान लीजिए मैं ये पार्टी इनविटेशन है, इसको ही क्लिक कर दूँ, ये भी डाउनलोड होगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यही फाइल ओपन होगी और उस पर ऑटोमेटिक ये बंद कराएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बन गया, तो देखा अभी ये हमारा ये है पार्टी इनविटेशन। ये बिल्कुल ऐसा है ना कि कोई इसमें आपने लगाया हो इसमें टेम्पलेट्स, लेकिन हमने इसमें टेम्पलेट्स नहीं लगाए, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर बन के आ गया।
और इसमें जो जो आपको फिल करने का ऑप्शन देता है बस आप उसको दे दो, और इसमें जो भी डेट चेंज करना है, मतलब ये आपका एक डिज़ाइन तो आपको मिल गया, आप इसमें जो जिस चीज़ का देना चाहो। तो देखो यहाँ पर अलग अलग तो आपको मिल ही जा रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और इसका भी नेम है वो, तो इसको हम पहले, ये डॉक्यूमेंट वन है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमने उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर हमको सेव या फिर डोंट सेव का ऑप्शन नहीं आया। अगर कुछ भी एडिटिंग किए रहते तो उसमें सेव या डोंट सेव का ऑप्शन आ जाता, लेकिन उसमें किया नहीं तो आएगा नहीं। देखिए अभी ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया, इसका डॉक्यूमेंट मतलब इसका नेम है डॉक्यूमेंट टू, क्योंकि अभी हमने जो ऑन किया था उसका डॉक्यूमेंट वन था, जिसपे हमने पार्टी इनविटेशन का हमने बोर्ड लगवाया था। तो इसका देखेंगे डॉक्यूमेंट टू दिखा रहा है उसका डॉक्यूमेंट वन। जैसे आज के दिन आप जितना डॉक्यूमेंट ऑन करेंगे तो उसका डिफॉल्ट नेम जो होगा वो डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 ऐसे करके, अगर 10 या 100 1000 मतलब जितना ऑन करेंगे तो ऐसे नंबरिंग वाइज आएगा, जब तक कि आप उसको सेव ना करें। मतलब सेव कर देंगे तब तो वो डॉक्यूमेंट 2 चेंज ही हो जाएगा, लेकिन अगर सेव नहीं किए रहेंगे तब जाकर आपका वो डॉक्यूमेंट 2 ही दिखाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखिए आप यहाँ से ओपन, अलग अलग मतलब ऑप्शंस हैं, यहाँ सेव जैसे ही करेंगे तो ये आपका दिखा देगा, लेकिन मैं अभी आपको सेव करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप फाइल नेम दे दो। ठीक है, अभी देखो मैंने कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी इसको मैं सेव करके भी दिखा दे रहा हूँ कि फाइल सेव करोगे कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर इसको जैसे फाइल कट करोगे उससे पहले आप देख लो, इसका जो फाइल नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट टू, मतलब डॉक्यूमेंट टू होता नहीं है। अगर आप इसमें पहली फाइल लो तो उसमें डॉक्यूमेंट वन, और अगर दूसरी ओपन करो तो डॉक्यूमेंट टू, अगर सेव भी करोगे तो उसके बाद जो फाइल ओपन करोगे डॉक्यूमेंट थ्री ही आएगी। ये नहीं कि सेव कर दिया तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वन दिखा देगा, अगले दिन अगर ओपन करोगे कोई फाइल तो डॉक्यूमेंट वन से ओपन होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, अभी हम उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताएंगे, तो पहले जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब जैसे कि सबसे ऊपर रिबन हो गया, मतलब टाइटल बार हो गया, उसमें ऑप्शंस है कुछ इस तरीके से। ये डिफॉल्ट नेम इसका दिखाई दे दिया आपको, फिर ये आपका क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज, और फिर ये एक होता है डिस्प्ले का ऑप्शन। जैसे कि आप ये आपका रिबन है इसको हाइड करना है, यहाँ से क्लिक कर दो इसको हाइड हो गया, लेकिन इसको लाओगे कैसे तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। देखो हाइड हो गया तो ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, अभी शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक है, अब शो टैब्स है उस पर भी क्लिक कर दोगे वो शो हो रहा है, लेकिन अभी शो टैब्स एंड कमांड पे पूरा शो होने लगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+F1, देखो मैंने प्रेस किया तुरंत वो रिबन पूरा हाइड हो गया, फिर अगर लाना है Ctrl+F1 प्रेस करो तुरंत वापिस आ जाएगा, देखो आ गया वापिस ना। अभी आप बस क्या करो कि ये नॉर्मल शॉर्टकट कीज है इनको नोट कर लो, मतलब जितने मैं इस वीडियो में शॉर्टकट की बताऊंगा आप उसको नोट करते जाना, जिससे आपको अगर कभी भी उस चीज की जरूरत पड़ी तो ये नहीं कि बार बार आप वीडियो देखो, आप वैसे तुरंत कर सकते हो। देखो इस पे मैं लेकर जा रहा हूँ माउस पॉइंटर तो Ctrl+F1 शो हो जा रहा है। ये सारे शॉर्टकट कीज, ये नहीं कि भाई आप कैसे याद रखते हो, ये सारे के सारे आप एमएस वर्ड अगर यूज कर रहे हो डेली बाय डेली उस की का यूज करोगे तो वो की आपकी कभी भूलेगा नहीं, होल लाइफ आपको वो शॉर्टकट की याद रहेगा। तो मैं अभी सेव करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट टू है वो चेंज हो जाएगा, और ये एमएस वर्ड है इसका मैं जो एक्सटेंशन होता है .doc होता है, .doc किसी ने पूछ दिया, और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर पूछ दिया कि एमएस वर्ड क्या है तो आप ये जवाब दे सकते हो कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है बस, और फिर अभी मैं आपको सेव करके दिखा रहा हूँ उसका शॉर्टकट की Ctrl+S। यहाँ पर देखो पहले तो मैंने यहाँ पर सेव किया, इसका लोकेशन खुल गया कहाँ पर सेव करना है। मैं ये फाइल नेम में इसको उसका इंस्टीट्यूट नाम दे देता हूँ, फाइल नेम तो हो गया लेकिन मुझे इसे किस तरीके से सेव करना है। देखो उसके नीचे सेव एज टाइप, फाइल नेम तो हमारा हो गया लेकिन हमें किस टाइप से हमें सेव करना है, तो डिफॉल्ट में आता है वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आप अगर इसको सेव करके ऑन करोगे तो बिल्कुल वर्ड डॉक्यूमेंट सेम टू सेम रहेगा। ये वर्ड मैक्रो इनेबल वर्ड, मतलब इसमें मैक्रो अगर यूज किया है तो मैक्रो हमेशा इनेबल रहे वैसा डॉक्यूमेंट। फिर ये वर्ड 97 से 2003 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप
पीडीएफ में सेव कर सकते हो, मतलब आपको जिस तरह के फाइल की जरूरत है आप इसमें बनाकर उस तरीके से इसको सेव कर सकते हो। बस जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से मुझे भी नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है तो मैं उसका यूज करूंगा। लेकिन सेव करने से पहले अगर आपको फाइल जो है उसको सेव करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके लैपटॉप का कोई और यूज करता है और आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको किसी ने डिलीट करने की कोशिश की तो वो उसको ऑन ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए देखो सेव के बगल में एक ऑप्शन है इसमें टूल्स का, उस पर जाना है। जैसे इसमें पासवर्ड लगा देंगे तो ये ऑन नहीं होगा, मतलब कोई और ऑन नहीं कर सकता। तो ये जो टूल्स का ऑप्शन है ये ड्रॉप डाउन पे जाओगे, जनरल ऑप्शंस पे जाना, जनरल ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। यहाँ पर बस आपको कोई भी दे देना है पासवर्ड, जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन, मतलब इसको ओपन करने के लिए कौन सा पासवर्ड कुछ भी मैं टाइप कर दे रहा हूँ इसमें भी कुछ। लेकिन अगर ऊपर जो पासवर्ड टाइप किया वही नीचे अगर पासवर्ड होगा तो यहाँ पर ये दिखा देगा। और यहाँ पर रीड ओनली रिकमेंड जो दे रहा है उस पर अगर क्लिक कर दोगे तो मतलब ये जो फाइल आपकी ओपन हो गई, अगर पासवर्ड भी किसी को पता चल गया तो वो सिर्फ इसे, अरे बस इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता, बस इसको पढ़ सकता है। और एक और उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं एडिटिंग के लिए, कि ना आप इसमें एडिटिंग को इनेबल कर दें जिससे कि आप इसमें कोई भी एडिटिंग करते हो, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम बस बताने के लिए आपको इसको कर रहे थे तो इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम बस आपको बताएंगे यहाँ पर। तो हम ये देखिए जो पासवर्ड हमने दिया है ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, हमने बस वैसे ही अपने कीबोर्ड पे अपने हाथों को वैसे ही घुमा दिया है कि कुछ भी टाइप हो जाए, बस बताने के लिए। आपको अगर पासवर्ड इसमें डाल रहे हैं तो पासवर्ड याद होना चाहिए वरना आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। और मैं इसको सिंपली अब सेव कर दूंगा, देखो मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा या एंटर कर दूंगा। अब देखो जो हमारी डॉक्यूमेंट टू थी उसका इंस्टीट्यूट नाम से सेव हो चुका है। अभी देखो उसका इंस्टीट्यूट नाम से ये हमारा सेव हुआ ना, तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि देखो ऊपर जो होता है इसमें पूरा पूरा टाइटल बार और इसको पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और उसके साइड में होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है कि जितने वेरिएबल्स के छोटे मोटे ऑप्शंस होते हैं या फिर जो मतलब सारे ऑप्शन बोल लो वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। जैसे ये सारा रिबन है आपका, इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो भी इसमें देखो, इसमें न्यू ओपन सेव ईमेल सेव का देखो सेव है हमारा तो वहाँ पे हो गया, उस पर टिक, अगर सेव नहीं होता टिक नहीं होता। फिर ईमेल क्विक प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू एडिटर, मतलब सारे ऑप्शन इसमें आपको दिख गए हैं, देख लो भाई इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्विक प्रिंट करने के अंडो रीडो जो भी सारे ऑप्शंस हैं वो सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे एडिटर जैसे F7 से होता है स्पेलिंग चेक की स्पेलिंग गलत है या सही है उसको चेक करोगे। और ये मोर कमांड्स पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपका ऑप्शंस खुल गया है इसमें। और यहाँ पे पॉपुलर कमांड, यहाँ पे देखो इतने सारे कमांड्स दिख रहे हैं और जो इसमें एड है कमांड वो बस हमारा इसमें तीन कमांड सेव अंडो रीडो जो कि यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है दिख गया ना। तो अभी उतने सारे ऑप्शंस बस हैं उसमें। और अभी ये अलग अलग चूज कमांड फ्रॉम, मतलब पॉपुलर कमांड जो दिख रहा है ना वहाँ पे अगर ऑल कमांड, देखो अभी इसमें ज्यादा कमांड्स नहीं दिए गए हैं, ये अभी आपका मान लीजिए कि 20-30% और इसमें हमने ऐड कर दिया एक और रिमूव भी कर दिया। अभी देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हमने उसमें तीन ऐड किए हैं, तो देखो वहां पे तीन है के तीन ऑप्शन है लेकिन अभी हमने जब भी उसमें ऐड करेंगे तो वो वहां पर शो होगा। लेकिन आप उसको अगर चाहें जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है वो हमारा इस समय अभी रिबन है उसके ऊपर है, ये जो मेन्यू और उसके नीचे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं उस पूरे के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रिबन। देखो इसमें हमने अंडो हेथ कंट्रोल जेड, जैसे हमने कुछ भी इसमें लिखा, देखिए मैंने अभी ये सेकंड लाइन में 5664 कुछ भी लिखा तो अभी उसको मुझे हटाना है तो मैंने कंट्रोल जेड किया वो हट गया। मतलब जो अभी आपने जस्ट अरे आपने कोई भी रिसेंटली काम किया है तो उसमें एक आपको स्टेप को पीछे जाना है तो अंडो करो, लेकिन अब वही एक स्टेप आगे आना है कि वही जो आपने हटाया है अंडो करके उसको वापस लाना है। तो यहाँ पर देखो अंडो से गायब हुआ और रीडो से वापस आ गया, मतलब इसको लेकर जाना और लेकर जाना यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसका काम।
और इसका शॉर्टकट की, जैसे अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी आगे अभी कंट्रोल जेड किया नहीं है, और उसका शॉर्टकट की भी आप नोट कर लो, इसीलिए वहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है। और अभी मैं अगर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, बस इसमें क्या होगा कि सेव ये नहीं दिखाएगा, बस आप अगर इसमें आगे का कोई भी काम करते हैं बस वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऑटो सेव का वीडियो देखना है जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है कि आप एक एक्सेल में ऑटो सेव कैसे करोगे, तो वो हो जाएगा। और ये देखो मैंने अभी सेव एज किया, मतलब इसमें मैंने अभी F12 प्रेस किया तो सेव एज हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। जो सेव होता है वो तो ऐसी फाइल जिस पे आपने अभी कुछ काम किया है और उसको अभी तक उसको सेव नहीं किया है तो आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो। लेकिन अगर सेव करके अरे आपको उसका नेम चेंज करना है, जैसे मैंने इस फाइल का नेम दे दिया है उषा इंस्टीट्यूट, तो मुझे अभी इस फाइल का नेम चेंज करना है और इसमें कुछ और नेम देना है इसको, तो मैं इसमें क्या करूँगा, तो उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं कि जो सेव है, जो सेव फाइल है उसको हमें दोबारा से सेव करना है। जब सेव की गई फाइल को दोबारा से सेव करना ही हमारा सेव एज कहलाता है। और अभी हमारा F12 प्रेस किया, अभी देखो मैं ये सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, ये हमारा दूसरा ऑप्शन खुल गया। देखो हमारा उषा, मैंने अभी उषा इंस्टीट्यूट की जगह पे उषा लिख दिया, तो हम इसको सेव एज कर रहे हैं, ना कि हम लोग इसको सेव कर रहे हैं। अगर आप वैसे मतलब आप फाइल की सेव नहीं है आपकी, अरे आप तब इसको सेव कर दो तो वो सेव कहलाएगा, लेकिन अगर सेव है और उसको दोबारा सेव करना है तो वो सेव एज होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सेव और सेव एज में अंतर आपको मालूम चल गया। और अभी देखो रिबन आपका हो गया, मतलब वो ऊपर सबसे टाइटल बार और ये पूरा रिबन जिसमें आपका आ जाते हैं बहुत सारे टैब्स, और यहाँ पर नीचे उसके आ जाते हैं कमांड, जैसे फाइल टैब, मतलब फाइल भी एक टैब है, फिर होम इंसर्ट ड्रॉ डिज़ाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू हेल्प, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे मेन्यू। और इसकी लाइन को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें अलग अलग मेन्यूज आते हैं उसको हम लोग पूरे को मेन्यू बार बोलेंगे। और ये फाइल में हमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको। देखिए ये जो सारे हमारे ये होते हैं इनको हम बोलते हैं इसमें कमांड, और ये जो हमारे सारे उनका सारे कमांड और मेन्यू हैं, मतलब मेन्यू यानी कि टैब, उन सबको मिला के हम लोग रिबन बोलते हैं। और इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर होम टैब में भी जाओ, यहाँ पे हार्ड कॉपी पे जिसका क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये अलग अलग सारे ऑप्शन, मतलब इसमें अलग अलग ऑप्शन। इन सभी ऑप्शंस का मैं यूज करके आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप इन सभी वीडियोस का यूज कैसे करोगे और कहाँ, मतलब इन सभी ऑप्शंस का यूज कैसे और कहाँ करोगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सभी का यूज करके कि इसका मैं यूज कैसे, कहाँ, किस स्थिति में, कैसे, मतलब हमको डाटाज रहेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे। तो अभी तो हमने आपको बता दिया कि ऊपर टाइटल बार होता है, फिर रिबन होता है, और मतलब रिबन पूरा रिबन में हमारा आता है मेन्यू बार, और यहाँ से बहुत सारे कमांड्स आते हैं। लेकिन अभी हमने एक चीज़ नहीं बताया कि हमारा रूलर क्या होता है। इसमें एक रूलर भी होता है जो कि आपके पेज का मार्जिन सेट करता है। रूलर दो होते हैं, एक तो होता है हमारा टॉप रूलर जो कि ये लाइन दिख रही है, ये हमारा रूलर, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज सेटअप का ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने ये राइट इंडेंट है और ये इधर लेफ्ट इंडेंट। अभी हमारे राइट और लेफ्ट में क्या अंतर है, देखो राइट और लेफ्ट में मार्जिन का बस अंतर है कि राइट इंडेंट हमारे राइट का मार्जिन सेट करता है, लेफ्ट इंडेंट हमारे लेफ्ट मार्जिन। बस इसमें हमें क्या करना है कि ये जो हम ऑप्शंस को अगर इधर लेकर जाते हैं, देखेंगे मार्जिन बिल्कुल किनारे पर आ गया, और इस तरफ करते हैं इसको, या फिर ये देखिए इसको मैं इधर लेकर जाऊं तो मार्जिन पूरा रूलर आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसीलिए ये सेट हो जा रहा है इस तरफ से। लेकिन हमें इसको छोड़ देना है क्योंकि हमें इसका यूज यहाँ पर नहीं करना है। बस आप दो इसमें रूलर का यूज करते हैं, एक तो हमारा रूलर हो गया इसमें टॉप साइड में, और एक होता है लेफ्ट साइड में। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप रूलर एक देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम और उसको बोलते हैं टॉप। तो ये पूछते हैं कि रूलर कहाँ पर स्थित होता है, तो ये बता सकते हैं कि रूलर पेज के बॉटम में और उसके टॉप में, और उसको हटाना है तो व्यू टैब में जाइएगा, रूलर पे यहाँ पे
कर दीजिएगा क्लिक। अभी देखिए रूलर हट गया, उसको वापस लेकर आना है, उस पर क्लिक करेंगे रूलर आ गया। तो रूलर मतलब हमने सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके आपको बता दिया। अभी हम लोग आपको फाइल्स टैब के बारे में पूरा बताएंगे और अभी हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं उसके बारे में, और अभी जूमिंग का जो शॉर्टकट की है हम इसी वीडियो में भी बता दे रहे हैं, और सारे सारे ऑप्शंस इस वीडियो में हम फाइल और होम टैब के ही बारे में बताएंगे। और सारी वीडियो के लिए आगे देखें। हाँ तो देखो अभी मैं बताऊंगा आपको पहले स्टार्टिंग से, बिल्कुल जैसे हमारा फाइल टैब है, इसको फाइल टैब बोलो, फाइल मेन्यू बोलो, या फिर कुछ भी बोलो। मतलब फाइल टैब में आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कस्टमाइज करोगे, मतलब सेव करो, न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, सेव एज, मतलब एज ओपन करना है, अलग अलग जैसे आपके फाइल के बारे में आप उसमें से कुछ भी जो करना रहेगा उसको आप कर सकते हो। मतलब सारा का सारा फाइल को कस्टमाइज करने का काम आपका फाइल टैब में होता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आप फाइल टैब में क्या क्या कर सकते हो। मतलब फाइल टैब जो होता है ना, उससे आप ये सारे मेन्यूज को कंट्रोल कर सकते हो कि आप चाहते हो कि किस मेन्यू को आप कहाँ पे रखो, कौन सा मेन्यू का नाम क्या रहेगा, नेम चेंज करोगे, अलग अलग इसमें ऑप्शन हटाओगे, लेकर आओगे। मतलब एक बात बोले कि पूरा एमएस वर्ड में जो भी मेन्यूज होते हैं उनको एक जगह से कंट्रोल करने का, मतलब उसको आप फाइल टैब जो है उसको एमएस वर्ड का कंट्रोल पैनल बोल सकते हो। जैसे आपके पीसी में होता है कंट्रोल पैनल जिससे आप सब कुछ कंट्रोल करते हो, तो उसी तरह एमएस वर्ड में फाइल जो मेन्यू है उससे आप पूरा का पूरा एमएस वर्ड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो। पहले तो फाइल टैब में आप क्लिक कर लेना, या फिर अगर क्लिक करना है तो अल्ट प्लस एफ प्रेस करो, अल्ट एफ। देखो अल्ट प्लस एफ मैंने प्रेस किया है, सारे यहाँ पर खुल गए ऑप्शंस। अभी आपको छोटे मोटे शॉर्टकट्स की अगर जानने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाओ, और हमने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में एक्सेल की, अगर एक्सेल सीख रहे हो तब तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, हमने बहुत सारी एक्सेल की शॉर्टकट कीज उसमें बता रखी है, जाओ। और अगर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारा वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, अगर इंडिया से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके उषा माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एमएस वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिस और जो बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आप उसको जल्दी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइल टैब में क्या क्या। तो फाइल टैब में ये होम का ऑप्शन आता है, जिसमें आप जितने भी रिसेंटली फाइल्स को ओपन किया रहेगा, जैसे मैंने इतने सारे फाइल्स को ओपन किया है, ये मैंने अभी इसको नेम दिया, मतलब सेव किया इसको, इसको भी मैंने अभी सेव किया, और ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको टेम्पलेट्स के बारे में बता दिया कि आप अलग अलग टेम्पलेट्स कैसे लोगे। ये देखो मैंने यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन है इससे आप ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन हाइड कर सकते हैं, जैसे देखो नो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अभी वापस मैं फाइल टैब में चले जाता हूँ, इसमें से आप देखो बस आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन। और एक बार देखो जैसे अभी यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, नीचे 12:17 हो रहा है तो ये आपको गुड आफ्टरनून बोल रहा है। जैसे एमएस वर्ड है तो आपको इसको टाइम का पता है, जैसे अगर आपका यहाँ पे रॉन्ग टाइम है तो आपको वही दिखाएगा, ये आपके पीसी के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे आपका पीसी वर्क कर रहा है उस अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, तो होम में ज्यादा कुछ होता नहीं, जैसे ये टेम्पलेट्स फाइल्स होती हैं और अलग अलग आपने जो भी रिसेंटली में काम किए होते हैं वो फाइल्स होती हैं, और नीचे एक मोर वर्कबुक से ऑप्शन होता है, इसमें अगर आपने बहुत ओल्ड फाइल, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ कुछ फाइल्स ओपन होती हैं, जैसे हम उनको काउंट करते हैं कितनी फाइल्स ओपन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, 8 9 10
मतलब यहाँ पर बस आप बस 10 फाइल को ओपन कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब रिसेंटली में आप बस 10 फाइल्स को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर रिसेंट में दिखाएगा ओपन, तो आप जितनी चाहे फाइल्स उतनी ओपन करके उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट का जो ऑप्शन होता है उसमें बस आपका 10 फाइल्स ही दिखाता है, और उससे ज्यादा देखना है तो मोर वर्कबुक्स का जो ऑप्शन था आपको उसमें जाना पड़ेगा। तो मोर वर्कबुक से आप देख तो सकते हो, लेकिन उसमें अगर आपने फाइल्स को डिलीट कर दिया तो आप उसमें से नहीं देखोगे। फिर उसके बाद हमारा न्यू का ऑप्शन आता है, इस पर आप अगर क्लिक करते हो तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि होम टैब में, मतलब होम ऑप्शंस में ये सारे के सारे ऑप्शन थे, जैसे मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन, यही सारे के सारे ऑप्शन आपको न्यू में बस मिलेंगे। देखो ये इतने सारे ऑप्शन, यहाँ से देखो इतने सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, जैसे इतनी टेम्पलेट्स आपको मिली हैं, 4, 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, मतलब इसमें 25 आपको टेम्पलेट्स फ्री मिल जाएंगे। और यहाँ से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो किस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे मुझे चाहिए क्रिसमस के लिए, क्रिसमस मैंने यहाँ पर सर्च किया, देखो ये भी दे रहा है सर्चिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स, मतलब ये हजारों ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको देगा, इसमें बस आपको डाउनलोड करना रहेगा उसे। तो ये तो आप सर्च कर सकते हो, ये इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो उसको हमें छोड़ देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। देखो इतने सारे आ गए, अब अभी आपको शो नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा इंटरनेट की वजह से दिखा रहा है, लेकिन आपको जिस तरह का सर्च करना है सर्च कर लेना। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हमारा बैक हो गया। फिर अभी मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना, पार्टी इनविटेशन, जो भी टेम्पलेट्स हैं, बस न्यू में आपको जितने सारे अलग अलग टेम्पलेट्स चाहिए उसको बस आप यहाँ से ले लेना, उसके अलावा आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते, बस टेम्पलेट्स का। और ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, ये सजेस्टेड सर्च, मतलब बिजनेस के लिए, कार्ड के लिए, फ्लायर, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर्स, होलीडे, मतलब इस टाइप से आप टेम्पलेट्स को सर्च कर सकते हो। और ये तो बस डिफॉल्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है टेम्पलेट। अरे यहाँ पर अभी देखो मैंने रिपोर्ट का लेना है, जैसे कोई हॉस्पिटल का रिपोर्ट हो गया वो इस पे हो सकता है, और इस पे टाइटल उसका और किस ईयर का है, बस वो यहाँ से, मतलब जितना भी टेम्पलेट्स लेना है, जैसे डॉक्टर्स के होते हैं अलग अलग टेम्पलेट्स, वो तो इसके बाद मैं बताऊंगा ओपन ऑप्शन के बारे में। इसमें से आपको जो फाइल ओपन करना है वो ओपन कर लेना है, यहाँ से देखो इतने सारे मेरे पास फाइल्स हैं। लेकिन इसमें आपको एक और अमेजिंग चीज मिलेगी, रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसमें जितने भी अनसेव डॉक्यूमेंट हैं ये सारे हमारे यहाँ पे अनसेव है, इसको अगर रिकवर करना है तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मुझे रिकवर नहीं करना, अभी ओपन में चलता हूँ मैं। देखो बस इतने सारे मैंने अभी रिसेंटली में ये दोनों आज यूज किए हैं, टुडे, और ये सब मैंने लास्ट वीक में यूज किया था, लास्ट वीक में मैंने इतने सारे जो भी हैं वो यूज किया था। और अभी यहाँ पर आपको वन ड्राइव, दिस पीसी, मतलब यहाँ से बस आप ओपन कर सकते हो, अगर यहाँ पे ब्राउज में आपने सेव किया होगा और या फिर अलग अलग जगह पे आपने अपनी पीसी में सेव किया है, जिस जगह पे आपने अपनी फाइल को सेव किया है उस फाइल को आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ये इन्फो का ऑप्शन, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो एमएस वर्ड है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सारे यहाँ से होगा, जैसे इसका जो हमने फाइल लिया है इसका साइज यहाँ पर है 13 KB, और इसका जो हमने पेज लिया है वो बस वन ही पेज, हमने सिंगल पेज यहाँ पर लिया है, और ये वर्ड है, जैसे हमने वर्ड को ओपन किया था तो इस पर डॉक्यूमेंट 2 से शो हो रहा था, तो यहाँ पर 2 हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेव करते हो तो यहाँ पर ऊपर दे सकते हो वर्ड, अभी जब मैंने इसको सेव नहीं किया था डॉक्यूमेंट 2 सेव हो रहा था, मतलब शो हो रहा था डॉक्यूमेंट 2, इसीलिए यहाँ पर वर्ड 2 दिखा रहा है, मतलब वर्ड 2 इससे नहीं, जैसे आप सेव करते हो तो उससे तो नहीं दिखाएगा, जैसे वर्ड इसमें लिखा गया है
अभी देखो मैंने दो वर्ड लिखे हैं ये, अभी मैं यहाँ पर स्पेस देकर कुछ और वर्ड लिखता हूँ, मतलब कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ ऐसे, अरे कुछ भी इसमें टाइप कर दे बस आपको बताने के लिए। ठीक है, फाइल में चला गया, इन्फो में आ गया। अभी देखो मैंने चार वर्ड उसमें टाइप किए, भले रॉन्ग हो या राइट हो, बस आपको वर्ड्स इसमें काउंट करके देगा ही देगा, जितने वर्ड्स आपने गलत या सही। लेकिन यहाँ पर भी आपका शो होता है, ये एक यहाँ पर देख रहे हो इतना पेज आपने लिया है, वन ऑफ वन पेज, मतलब एक पेज लिया है उसमें से आप फर्स्ट पेज पर ही हो, और उसमें छह वर्ड टाइप किए हैं, और उसमें लैंग्वेज, वर्ड प्रूफिंग, और यहाँ से आप मैक्रो को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप में किसी ने एक्सेल यूज किया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि आप एमएस वर्ड जो होता है उसमें जो काम कर सकते हो वो एक्सेल में भी। जैसे व्यू में मैं जाऊं तो यहाँ पर साइड में मैक्रोस का ऑप्शन होता है, तो एक्सेल में भी अगर आप जाएं व्यू टैब में तो उसमें भी मैक्रो का ऑप्शन होता है, वहां से भी आप मैक्रो ऑन कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें अभी तक यूज नहीं किया इसको, मैक्रो इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। आपको अगर मैक्रोस का ज्यादा जरूरत पड़ता है तो वो सिर्फ आता है एमएस एक्सेल में। इसमें आपको देखो जैसे मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखा दूं, यहाँ से एक्सेल में चले जाता हूँ, ये एक्सेल हमारा शो हो गया। अभी मैं एक्सेल को ओपन करके आपको दिखा दूं कि इसमें देखो मैंने यहाँ पर एक्सेल में भी सेम ही ऑप्शंस होते हैं। अभी देखो व्यू टैब है, व्यू टैब में गया, ये देखो सेम टू सेम ऑप्शन इसमें भी है, इसमें देखो, और अभी मैं इसमें व्यू टैब में जाता हूँ, इसमें भी वही देखो यहाँ पर मैक्रोस का ऑप्शन है, मतलब दोनों जगह पे क्या है कि सेम टू सेम ऑप्शन है, तो उसकी कोई इसमें जरूरत नहीं होती, मैक्रोस की इसमें ज्यादा। या फिर यहाँ से ऑन करो, यहाँ से दिखा दिया ना मैक्रो, तो इसमें जो मैक्रो होता है ना इसका मैक्रो का उतना यूज नहीं आता। लेकिन अगर आप वही एक्सेल में यूज करते हो तो एक्सेल में ना मैक्रोज होता है, उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अरे मैक्रो में तो आप हमारे चैनल पे जाकर देखो, हमने मैक्रो की मदद से पॉइंट ऑफ सेल बनाया, हमने मैक्रो की मदद से आपको उसमें कैलकुलेटर बनाकर दिखाया, उसमें टाइमर लगा कर दिखाया, मतलब मैक्रो की मदद से हमने आपके लिए अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें बनाकर रख दी है। आप वहां से जाकर देखो यार कितनी कितनी अमेजिंग अमेजिंग हमने वीडियोज अपलोड की है, आप तो बस देखते ही नहीं हो। तो यहाँ तो हमारी बात हो रही थी अभी इन्फो के बारे में, तो अभी हम इन्फो में ही चलते हैं। इन्फो के बारे में ये आपको पहले बता देते हैं, वरना आप बोलोगे कि अलग अलग बातें बता रहे हो, अरे यार वो तो थोड़ा चलता है मजाक। फिर हमारा ऑप्शंस आता है टोटल एडिटिंग टाइम, जैसे मैंने अभी तक ये जो फाइल ओपन की है इसमें 20 मिनट तक काम कर लिया मैं, ठीक है, मतलब 20 मिनट तक मैंने इसमें काम किया। फिर आता है इसका टाइटल, तो मैंने टाइटल वाइटल कुछ दिया नहीं, और इसमें लास्ट मॉडिफाइड टाइम 12:08 हो रहा है, मतलब इसमें 12:08 हो रहा है, 12:08 PM, और इस समय हमारा 12:28 हो रहा है, मतलब 20 मिनट तो अप्रोक्स हो गए, अप्रोक्स क्या है ये एग्जैक्ट हो गया। और ये हमारा ऑथर नेम, ये लास्ट मॉडिफाइड बाय ऑथर, मतलब अलग अलग ऑथर, और ये ओपन फाइल की लोकेशन, जैसे आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर सेव है तो उस फाइल का ये लोकेशन, जैसे मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ, यहाँ से आप उसका लोकेशन ये है, इसको कॉपी करके जाना आप पीसी में और उसमें चेक कर लेना, और यहाँ से आप लोकेशन और ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसका मुझे जरूरत है नहीं। ये आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हो, लेकिन मैंने पासवर्ड का एक और तरीका बता ही दिया है, वो सिंपल है, इसमें भी कुछ उसी तरीके का आपको पासवर्ड का यूज करने मिलेगा, जैसे यहाँ पर कोई पासवर्ड टाइप करो, ओके करो, फिर एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, तो मैं इसमें दूंगा नहीं अभी, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। ये अपलोड का ऑप्शन, फाइल को अपलोड करो, शेयर करो, कॉपी करो, और ये ओपन फाइल लोकेशन, ये तो यहाँ पर भी है तो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाई दिया इसका लोकेशन। फिर अभी आता है सेव, तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके फाइल सेव का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैंने अभी इसको सेव कर दिया है तो कैसे आएगा, ठीक है, इसके लिए हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, तो कंट्रोल एन, लेकिन मैं यहाँ से आपको न्यू में चलता हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। इसका देखो डॉक्यूमेंट 4 नेम है, मैंने एक और लिया जिसको कट कर दिया, तो उसको छोड़ो। अभी देखो मैं इसको अभी इसमें चलता हूँ फाइल टैब में,
सेव पे मैं क्लिक करूंगा, सेव पे डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको सेव 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 या फिर सेव एज नहीं किया है इसीलिए। तो उसको मैं अभी नहीं करूंगा, कुछ उसका जरूरत नहीं है, तो उसको मैं कट कर देता हूँ। सेव तो मैंने पहले से ही कर दिया है, उसके बारे में बता दिया है। फिर सेव एज, सेव एज के बारे में मैंने बताया कि आप सेव कर सकते हो, पीसी में सेव करो या फिर यहाँ से दूसरा जगह सेट कर सकते हो। फिर आपका आता है प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। उसका शॉर्टकट की आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस पी। और ये इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे 6 वर्ड लिखे हैं इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें इसका मार्जिन सेट करोगे तो वो सही रहेगा। अगर मान लो कि आप एमएस वर्ड में मतलब हिंदी टाइपिंग कर रहे हो, कुछ किसी चीज़ का पेपर रेडी कर दिए, मान लीजिए कि आप कि स्कूल में पेपर है एमएस वर्ड द्वारा उसको लिखा गया है, तो उसका मार्जिन जो सेट करोगे तो ये मार्जिन उसकी नहीं रहेगी। ये जो उसका मार्जिन रहेगा ये रॉन्ग रहेगा। उसका मार्जिन लगभग 1 point something रहता है, 1.12 something उसका मार्जिन लेफ्ट राइट में होता है, क्योंकि उससे आपका जो पेज होगा उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटर लिखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें अरे फॉन्ट को बड़ा करोगे। इसमें इस पर क्लिक करोगे ना तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ये कॉपीज का ऑप्शन कि आपको कितनी कॉपीज यानी कि कितने पेपर प्रिंट करने हैं इसके। ठीक है, इससे आप कोई भी पेपर प्रिंट करोगे, जैसे 1 पेपर 2 पेपर जितना पेपर आपको इससे प्रिंट करना रहेगा वो प्रिंट कर लोगे। और यहाँ से प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर है तो उसको सेव करोगे, फैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मतलब इसको बस ये प्रिंट नहीं होगा, बस आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा यहाँ से। तो मैं पहले इसको सही कर लेता हूँ, ये हमारा ऊपर वाला सबसे है, तो ये भी हमारा ऑफलाइन है, तो अभी इसका मैंने कुछ यूज नहीं किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो यूज किया बट अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर ये प्रिंटर की सेटिंग है कि आप लैंडस्केप में प्रिंट करोगे, पोर्ट्रेट में, अलग अलग तरीके से ये डॉक्यूमेंट का जो साइज ये है, और ये ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, और ये पेपर टाइप मतलब प्लेन पेपर है, इप्सन फोटो क्वालिटी इंकजेट, मतलब ये अलग अलग पेपर की क्वालिटी है भाई। और ये क्वालिटी देखो तो क्वालिटी में क्या होता है, जो ड्राफ्ट होता है इस पे अगर क्लिक कर दिया तो अगर आप कुछ भी मारोगे प्रिंट ना झटाक से, मतलब आपको मुश्किल से 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा और आपका प्रिंट आउट तुरंत निकल जाएगा। स्टैंडर्ड है तो इस पे थोड़ा बहुत नॉर्मल रहेगा, स्टैंडर्ड वाइड स्टैंडर्ड से थोड़ा धीरे हो जाएगा। और ये जो हाई क्वालिटी है मतलब जितना आप धीरे प्रिंट करोगे क्वालिटी उसकी उतनी ही बढ़ेगी। हाई कर दोगे तो आपको अगर छोटा सा प्रिंट निकालना है तो उसमें आपको 2-3 मिनट वेट करना होगा, मतलब ज़्यादा उसमें आ जाएगा कलरिंग का। फिर अगर प्रिंट निकलेगा तो आप देखोगे कि आपका जो प्रिंट है बहुत ही गीला और उसमें बहुत ज़्यादा आपका इंक लगेगा। इसीलिए अगर आपको मतलब ज़्यादा कुछ प्रिंट करना है, जैसे आपको कोई आईडी कार्ड अगर प्रिंट करना है तो आप हाई पे रखना। उसके अलावा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड का यूज करना, ड्राफ्ट यूज करोगे तो आपका फोटो मतलब जो भी प्रिंट की क्वालिटी रहेगी वो खराब आएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने उसका जीरोक्स निकलवाया, मतलब उसका 2 copy आपने करवाया है और वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हो, इसे मैंने इसको अगर कुछ भी लिखा तो वो यहाँ से होगा ये कलरफुल या फिर ग्रे साइकिल, मतलब ग्रे स्केल जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में हो जाएगा। फिर ये 2 slide प्रिंटिंग, तो यहाँ से तो आपका ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, ये सब सेटिंग्स आपकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कॉपीज़ का ऑप्शन तो वहीं पर था। और मल्टी पेज है तो यहाँ से आप अलग अलग पेज को इसमें प्रिंट कर सकते हो, एक साथ जितना चाहे उतना पेज प्रिंट कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्विट मोड, जैसे इसको ऑन कर दोगे तो जो प्रिंट प्रीव्यू है उसको ऑन करो तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है सही से दिखने लगेगा, इसका भी उतना यूज नहीं होता। फिर ये आपके नॉर्मल्स हैं जैसे अलग अलग क्वालिटी, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर क्वालिटी के अंदर देखा कि फास्ट यानी फास्ट का जो होता है, फास्ट का मतलब ड्राफ्ट, स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड, हाई यानी हाई का ऑप्शन तो है ही। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू अप, इसका यूज मतलब मैं तो सजेस्ट आपको करता हूँ कि अगर प्रिंट मारना है, अगर आपको नॉर्मल में प्रिंट मारना है तो स्टैंडर्ड का यूज़ करना,
और अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा मतलब क्वालिटी चाहिए, बहुत ज्यादा क्वालिटी, तो हाई पे प्रिंट करना। हाई पे अगर प्रिंट करोगे तो 2-3 मिनट तो वेट करना होगा। अगर वेट नहीं करोगे और उसको खींचोगे ना, तो वो क्या होगा कि मिक्स मिक्स हो जाएगा सारा कलर, और उसमें आप स्टैंडर्ड से भी बेकार आपको प्रिंट आउट मिलेगा। तो उसके लिए वेट करना होगा, तो वेट तो कर ही लोगे 2-3 मिनट। फिर ये अलग अलग सेटिंग्स हैं, इंक लेवल है, तो इन सबको मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप इसको चेक कर लेना बाद में। फिर अभी प्रिंट ऑल पेज, इससे क्या होगा, अभी आपने जितने पेजेस इसमें लिए हैं, मैंने तो एक ही पेज लिया तो एक ही होगा। और ये है पेज, यानी कि मतलब यहाँ से आप पेज का नंबर देखे, जैसे मैंने 10 पेज लिए हैं, उसमें से मुझे 7th पेज को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो बस 7 यहाँ पर लिख देना, और उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, वो भी 7th नंबर का। ये नहीं कि फर्स्ट नंबर का प्रिंट करना है और 7 डाल देना, 7 का प्रिंट करना है तभी 7, अगर 1 का प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 टाइप करना है तो 1 का हो जाएगा प्रिंट, अगर आपको सेकंड टाइप करना है तो सेकंड यहाँ पर लिख देना, और उसके अलावा थर्ड तो थर्ड हो जाएगा, वरना जितना आपको पेज प्रिंट करना है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड दोनों प्रिंट करना है तो 1, 2, मतलब ऐसे ऐसे दे सकते हो, या फिर इस तरीके से आपको 1 से लेकर 10 तक, तो 1, 2 ऐसे ऐसे 10 प्रिंट करोगे, फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दोगे, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरा अभी सेट नहीं है प्रिंटर, तो प्रिंटर पे दिखाएगा नहीं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से बस आपको कैंसिल कर सकते हो, वहाँ पर आपको ऑप्शन आया ही होगा कि आपको प्रिंट करना है या नहीं, मतलब प्रिंट सेटिंग। उसके अलावा ये सारे नॉर्मल्स हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको है नहीं, बस आप चेंज कर चेक कर लेना। प्रिंट वन साइड, मतलब पेपर के किस साइड प्रिंट करना है, और यहाँ पे कोलेटेड, ये पेज का ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और ये पेपर का साइज, जैसे A4 साइज होता है, आप A4 साइज में प्रिंट करना सही रहेगा आपका। फिर यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन, ये पेपर का मार्जिन यहाँ सेट कर लेना, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, जैसे मैं यहाँ पर कर दूँ ये, तो देखोगे इस साइड पे आ गया। लेकिन वही अगर इसको सेंटर करना है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, शॉर्ट वीडियो में, कि अगर यहाँ पर आपने लिखा है तो उसको सेंटर में कैसे दिखाओगे। जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन वही हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, बिल्कुल सेंटर में क्या करोगे, ठीक है। तो इसको आप चिंता मत करो, इसको भी मैंने बता ही दिया है, उसको मिरर ये छोड़ो यार, इसको छोड़ देना आप, इसका यूज होता नहीं है, तो क्या करोगे इसका। फिर ये नॉर्मल पे आप कर देना, नॉर्मल पे प्रिंट करोगे तो सही आएगा। फिर शेयर, तो शेयर हमको करना नहीं है, सेव टू क्लाउड, ईमेल, ये एक्सपोर्ट, क्लोज, इसका ऑप्शन, ये क्लोज पे क्लिक करते हो वहाँ से या फिर यहाँ से, दोनों काम एक ही करने वाला है। फिर अकाउंट्स, तो इसके बारे में आप अपने जो भी अकाउंट होगा आपका वहाँ से ही देखोगे। और फीडबैक, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, मेन होता है आपका ये ऑप्शंस, ये ऑप्शंस कुक के बारे में आपको सारा कुछ पता चल गया तब आपका सही है, वरना तो आपका ये बहुत गलत है। जैसे कि ऑप्शंस है, ये पहला ऑप्शन आता है जनरल का, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे इसमें शो होते हैं। जैसे एक्सेल में भी आता है, तो यहाँ पर होता है कि जैसे एक्सेल में जो होता है ना, आपका किसी सेल में इस समय प्रेजेंट हो, उस समय आप 1 लिख के उसको चाहते हुए ड्रैग करो, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि जिससे आप उसको ड्रैग नहीं कर सकते, उसको आपको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना होगा, या फिर आप ऐसे तो ड्रैग कर नहीं सकते उसमें, इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल्स ऑप्शन होते हैं, इसके आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। मेन आपका ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर इस, और देखो एक प्रूफिंग का ऑप्शन होता है, इस पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि इसमें आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे यहाँ पर तो आपको कुछ शो हो रहा है, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर सी लिखूँ तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब इसको कॉपीराइट का साइन बोलते हैं। फिर ये ई के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ई लिखोगे तो ऐसा साइन, एफ लिखोगे मतलब आर लिखोगे तो ऐसा साइन, टी एम लिखोगे तो ऐसा टी एम बन जाएगा, डॉट डॉट तो ऐसा, मतलब इसको हमने प्रूफिंग किया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ कि यू में अगर लिखूँ तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये अंडरस्टैंड, ये मतलब ये दिया है ना, क्या है देखो, इन दोनों में आपको अंतर अगर ध्यान से देखोगे तो अंतर मिल जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर तो दिया है अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड में डी के बाद कहाँ पर आपका एन आता है, एन तो आपका आता है बिल्कुल डी के पहले और उसमें डी के बाद दे दिया है। तो अगर ऐसा आपने वर्ड लिख दिया तो यहाँ पर उसको सही कर देगा, मतलब इसको आपको प्रूफ कर देगा ये वाला। तो ठीक है, मैं अभी आपको एक लिख कर इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब रिप्लेस, फिर किसके साथ रिप्लेस करना है तो USHA, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा USA, ये गलत है ना, ये देखो आपका गलत है, मैंने यस को बाद में लिखा और यस को पहले लिख दिया। अभी मैं एंटर करूँगा, जैसे एंटर किया ये देखो अपने आप ये हो गया, मतलब इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको वहाँ से जो जो वर्ड आपके गलत होते हैं उसको बस सेट कर दो, ऑटोमेटिक प्रूफिंग होगा। प्रूफिंग का यही यूज होता है, इसका ज़्यादातर आपको यूज करने को मिलेगा। और यहाँ से चेंज हाउ वर्ड डॉक्यूमेंट करेक्ट एंड फॉर्मेट योर टेक्स्ट, जैसे मैंने करके बताया वही तो इसमें लिखा है, तो आपको नहीं आ रहा है मैं बताने के लिए हूँ। ये कस्टमाइज रिबन, रिबन जो मैंने अभी बताया आपको कि रिबन ये सारे ऑप्शंस को बोलते हैं, तो इसमें ये देखो मेन टैब्स में ये है ब्लॉग पोस्ट, ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये सब मेन टैब है। लेकिन वही अगर मैं ऑल टैब्स पे क्लिक करूँ तो देखोगे सारे के सारे इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, होम के आ गया, इंसर्ट का आ गया, ड्रॉ यहाँ से दिखाता है, ये जो होते हैं ब्लॉग पोस्ट, इंसर्ट ब्लॉग पोस्ट, आउटलाइनिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, ये सब जो होते हैं, अगर आपने कोई सेप या फिर अलग अलग तरीके का कुछ ऑप्शन इसमें लेते हैं ये तब जाके दिखाई देता है। वही आपको मैं दिखाऊँ, देखो यहाँ पर ये जो डेवलपर एक टैब है, डेवलपर टैब, इस समय ये अनचेक है, इसको मैं चेक करूँ। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डेवलपर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अभी मैंने उसको चेक किया और अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो यार डेवलपर व्यू के बाद आ गया। लेकिन वही अगर मैं डेवलपर को व्यू के पहले ला दूँ तो क्या, ये देखो डेवलपर जो है इसको मैं उठाता हूँ ऐसे, अभी देखो व्यू आ गया इसके नीचे ना, अभी देखना डेवलपर देखो व्यू के पहले आ गया। मतलब यहाँ से आप सारे के सारे रिबन के जो ऑप्शंस होते हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके नीचे एक और ऑप्शंस आता है जिस कस्टमाइज रिबन, इसमें तो अलग अलग देखो इतने सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। अभी और ऑप्शन है, ऑल कमांड्स पे जाओ, अभी देखो इतने सारे ऑप्शन है कि आप इसको ड्रैग करते रह जाओगे, 2-3 मिनट आपका लग जाएगा। जैसे ये अभी रिलोड हो रहा है, अभी देखो यहाँ पर ऑल कमांड्स आ गया, तो ये कितना छोटा हो गया। अभी मैंने पॉपुलर कमांड देखो इतने सारे इसमें है ऑप्शन, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यार, अभी देखो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल नीचे आ रहा है ना, मैं इसको कितना ड्रैग करूँ इतना मैंने ड्रैग किया लेकिन ये आ नहीं रहा है तभी भी, ये मैं इसको इतना ड्रैग करता गया ड्रैग लेकिन ये आ नहीं रहा है जल्दी। ये इतने सारे ऑप्शन से मैं यहाँ पे जल्दी से इसको ड्रैग करके दिखा देता हूँ। सबसे नीचे आता है जेड से, मतलब ये बिल्कुल अल्फ़ाबेट वाइज है, जैसे अल्फ़ाबेट ए से लेके स्टार्टिंग है, तो देखो 3D इफेक्ट, ये नंबरिंग का पहले आता है फिर उसके बाद ए का आता है, मतलब ए से जो भी स्टार्टिंग में आता है नंबर्स वो सारे के सारे मतलब अल्फ़ाबेट आते हैं, उनके बारे में पहले बताएगा फिर उसके बाद आपका इसके बारे में बताएगा, अलग अलग ऑप्शंस बताएगा इसमें, जितने सारे ऑप्शंस इसमें रहेंगे। और राइट साइड में जो कस्टमाइज द रिबन है उसमें आपका जो भी अलग अलग इसमें ओपन रहते हैं टैब को चेक कर सकते हो, हटा सकते हो, ऑप्शन उसमें जोड़ सकते हो। देखो मैंने अभी बता दिया इसको, अभी मैं एक और चीज़ बताऊँगा, जैसे ये रिबन का तो हो गया, रिबन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, मेन्यूज के बारे में बता दिया। एक चीज उसके नीचे आप देख रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार, देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बारे में मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, अभी को कट किया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको जो ये टूल बार है इसको आप नीचे देखो सो बिलो द रिबन, यानी कि रिबन ये है तो इसके नीचे सो हो जाएगा, हो गया ना सो, देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रिबन के नीचे सो हो गया। एक्सेल में भी आप यही काम कर सकते हो, बस ऐसे आना है फिर अभी सो एबोव यानी कि ऊपर रिबन के ऊपर सो हो गया। फिर इसमें जो जो ऑप्शन आपको ऐड करने हैं, जिससे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ,
क्विक एक्सेस टूल बार। अभी वहां पर बस देखो सेव, यहाँ पे अंडो रीडो का बस ऑप्शन है, लेकिन अभी मैं इसमें एक ऑप्शन जोड़ देता हूँ इसमें कॉपी का। ये देखो अभी मैं ओके करूँ, ओके कर दिया ना, देखो यहाँ पे आ गया ना ये कॉपी का ऑप्शन। वो जब सिलेक्ट करोगे कोई आएगा तभी इनेबल होगा। देखो कॉपी हो गया ना, अभी इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ से क्लिपबोर्ड में जाकर। देखो कॉपी तो हो गया है। अभी देखो अभी मैं और कुछ ऑप्शन आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ जो कि थोड़े मेन होते हैं। एक और ऑप्शन होता है जो कि एक्सेल में आपको यूज करने को मिलता है, वो एफ वाले में आएगा, फॉर्म नाम से होता है एफ, एफ से फॉर्म। इसमें आपको नहीं मिलेगा, पॉपुलर कमांड्स में आपको नहीं मिलेगा। ये ऑल कमांड्स पे क्लिक करोगे, ऑल कमांड्स पे क्या होता है जितने सारे पूरा पूरा कमांड, ऑल का मतलब ये आपको पता चल जा रहा है कि ऑल यानी पूरा, जितना है उतना का उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है अभी मैं ये देखो अभी रिलोड हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा। देखो इतना छोटा हो गया ना, जैसा कि अभी मैंने उसमें भी किया। फिर अभी मुझे जाना पड़ेगा एफ में, ऐसे स्क्रॉल करते करते स्क्रॉल करो 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 स्क्रॉल 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 करते जाओ करते जाओ, ये स्क्रॉल करते जाओ जितना आपको स्क्रॉल करना है। डी के बाद ई आया, अभी एफ हमारा आ जाएगा। ये देखो एफ आया, इसमें आपको फॉर्म को देखना है। देखो फॉर्म अभी हमारा आ गया होगा, इधर ही कहीं पे होगा। देखो इसमें फॉर्मेट है, फॉर्म फॉर्म हमारा कहाँ गया यार, फॉर्म अभी मिलेगा यार, मिलेगा खोजो इसमें मिलेगा फॉर्म। अभी मैं देखो इधर ही कहीं होगा गाइस, फॉन्ट तो दिख रहा है जो नेम के वाइज आता है ना, नेम वाइज में, लेकिन इसमें जो फॉर्म का ऑप्शन होता है नहीं आएगा। मैं तो भूल ही गया, क्योंकि फॉर्म हम एक्सेल में बनाते हैं तो एम एस वर्ड में कैसे आएगा। लेकिन उसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको इसमें चाहिए, जिसमें फॉन्ट का ही ऑप्शन ले लूँ, ऐड कर दिया, अभी ओके कर दूंगा। देखो फॉन्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना, ये जो ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ पर ला दिया। अभी मुझे इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज करना है। अभी मैं एलिफेंट कर दूँ, एलिफेंट, अरे गाइस कट गया, कंट्रोल जेड करो, एलिफेंट फॉन्ट हमारा ये हो गया। अभी मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं एरियल ब्लैक कर दूंगा, अभी एरियल, अभी मैं बस मैं एरियल कर देता हूँ। अरे ये हमारा लास्ट में लग गया है टी, अभी मैं एरियल बस लिखूंगा। ये देखो एरियल ब्लैक आ गया, अभी एंटर करो, एरियल ब्लैक हो जाएगा। ठीक है एरियल ब्लैक हो गया, बस इसको छोड़ दो ऐसे। इतने सारे ऑप्शन आपको जितने ऐड करने ऐड कर लेना, अभी मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। देखो ये तो हो गया एड आई एन एस, इसका भी यूज इसमें नहीं होता ज्यादा। इसका भी जो एड आई एन एस है ना, एड आई एन एस यानी एड इंफॉर्मेशन, ये आई एन एस जो है शॉर्ट फॉर्म दिया गया, जैसे ये जो कंप्यूटर है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर। इसका जब फुल फॉर्म आप देखोगे तो कुछ अलग रहेगा, जैसे कॉमन ऑपरेटर मशीन, मतलब जितना बड़ा आपका सी से एक वर्ड होगा, यू से, ओ से होगा, एम से होगा, पी से होगा, यू से होगा, टी से होगा, ई से होगा, आर से होगा, मतलब आठ के आठों ऑप्शन से आपको एक एक आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ पर आता है एक ट्रस्ट सेंटर, इसमें जब जाओगे ना तो मैक्रो को ऑलवेज के लिए इनेबल, जैसे इनेबल ऑल मैक्रोस, जितने भी इसी मैक्रोस को काम किए रहोगे वो सारे यहाँ से इनेबल करोगे। तो एक्सेल में भी अगर मैक्रोस को हमेशा इनेबल रखना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे फाइल टैब के बारे में, मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा होम टैब के बारे में। ठीक है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अभी इसके बारे में मैं अभी होम टैब के इस वीडियो में आज बस मैं होम टैब के बारे में बताऊंगा। फिर अभी हम जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे, जो भी हमारे ऑप्शंस आते हैं डिज़ाइन ड्रॉ लेआउट रेफरेंस, मतलब हम इसमें एक भी जो भी एक भी टैब है उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब सारे के सारे इसमें जो टैब है उसको हम लोग इसमें बता कर ही लेंगे। तो पहले देखो आता है यहाँ पर क्लिप बोर्ड, ये होता है हमारा रिबन, मतलब ये एक ग्रुप होता है, ये क्लिप बोर्ड के ग्रुप में आता है। ये जो क्लिप बोर्ड का ग्रुप होता है इसका भी आप नेम चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रुपिंग होता है। अभी मैंने किसी का नेम चेंज कर तो दिखाया नहीं, अभी मैं आपको नेम चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। जो ऑप्शन में गया ये रिबन का मैं है रिबन में ना, तो देखो अभी मैं होम टैब में गया, किधर गया होम टैब में,
क्लिपबोर्ड है। अभी देखो यहाँ से रीनेम पे मैं क्लिक करूंगा, या फिर इसमें कोई न्यू टैब या न्यू ग्रुप ऐड कर सकते हो। रीनेम मैं करूंगा इसको, मैं बस इसमें देता हूँ बस क्लिप। ओके ओके मैंने कर दिया। अभी मैं एक बार और ओके करूंगा, देखो नेम चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना। फिर अभी मैं इसको सही कर लेता हूँ, वरना बाद में अगर आपका फॉर्मेटिंग कोई और ऑन करता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तब अगर आप ऐसे सेटिंग करते हो तब तो आपको बहुत मार पड़ेगी। तो इसको आप ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि इसका यूज़ आप बस एक बार करें अरे अपने प्रैक्टिकल के लिए, फिर उसके बाद आप इसको सही कर दें, वरना आपको भी डांट सुननी पड़ेगी। फिर यहाँ से ओके कर दें, एक बार और ओके करें। अब इसका नेम सही हो गया। तो अभी मैं पहले क्लिपबोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ, क्लिपबोर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या करेंगे तो कैसे होगा। तो उससे पहले एक शॉर्टकट की सारा का सारा डिलीट कर लो, इक्वल का साइन लगाओ जैसे एक्सेल में लगाते हो, फिर लिखो आर ए एन डी, ठीक है। फिर अभी ओपन ब्रैकेट कर दो। इसमें आपको जितने मतलब आर ए एन डी यानी रैंडम, रैंडम यानी कि कहीं से भी, जैसे इधर से उधर से कैसे भी इसमें रैंडम लोग पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे तो या तो आप इसमें लिख दो कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, या तो बस रैंडमली आप ऐसे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दो। ये देखो इतने सारे एक दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, मतलब पांच पैराग्राफ यहाँ पर आ गए। फिर अभी मैं क्या करूँगा कि इन पैराग्राफ को छोड़ दूंगा ऐसे। अभी इसके बाद मुझे बताऊँगा कि आप इसमें कट का, कॉपी का, पेस्ट का, फॉर्मेट प्रिंटर, इन सब का यूज कैसे करोगे। तो पहले तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ही ये दोनों ऑप्शन आएंगे, ये आता है कट का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की भी होता है। जैसे कट करते हैं तो आपको इसको दूसरे वर्ड में मूव बोलते हैं, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर रिमूव करना कोई भी वर्ड। जैसे मैंने अभी यहाँ कट किया, देखो अभी कंट्रोल जेड करके इसको वापस लेकर आता हूँ। अभी मैंने इसको बस सिलेक्ट किया, बिना सिलेक्ट किए देखो ये अलाउ नहीं होगा, यहाँ पर ये हट गया। लेकिन वही अगर जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ, ये देखो तुरंत आ गया। और उसका शॉर्टकट की देखो यहाँ पर दिखा रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, और यहाँ पे कॉपी का कंट्रोल प्लस सी से इसमें कट कॉपी होता है, सिलेक्ट किया। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा कि ये जो डाटा है ये हमारे यहाँ से कट हो जाएगा। मतलब ये आपको नेम से ये समझ आ जा रहा है कि इसको हम लोग कर रहे हैं कट, लेकिन आप दूसरी जगह पे इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर पहले करता हूँ कट, लेकिन आप इसको चेक करना चाहते हो कि मैंने ये हमारा कट हुआ या नहीं, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करोगे। ये देखो ये मैंने अभी किया कट यहाँ से, तो यहाँ पर दिखा दिया। फिर अभी इसको पेस्ट करना है तो यहाँ से जाओ, तो यहाँ से कर दो पेस्ट, ये देखो वापस यहाँ पर आ गया। फिर अभी आपको हिस्ट्री से इसको डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। और अभी इसको बस क्या करोगे, देखो सिलेक्ट मैंने किया, अभी मैं यहाँ से करूँ कॉपी, देखो तुरंत यहाँ पर कॉपी करने पर आ जा रहा है। लेकिन ये जो कॉपी होता है इसका डुप्लीकेट, मान लीजिए कि कॉपी को डुप्लीकेट बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट, इसको अगर एक्सप्लेन करना रहेगा तो कॉपी का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसके वहाँ पर रहते हुए उस चीज़ को दूसरी जगह पर लेकर चले जाना, उसी को हम कॉपी करते हैं। एक चीज़ को मतलब कोई चीज है उसको उसकी स्थान से हटाए बिना दूसरी स्थान पर ले जाना ही होता है कॉपी। और ये जो कट का होता है तो किसी वस्तु को, मतलब मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल बेसिक में बताऊंगा कि आप इसको एक्सप्लेन। अभी आप उससे कोई पूछ दिया कि एमएस वर्ड पढ़ते हो तो इसको कॉपी की थोड़ा मुझे कुछ बता दो कॉपी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, बस को कॉपी से ही बताओगे कि कॉपी से कॉपी होता है बस खत्म। अरे तब तो आपको पागल समझेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बाद जैसे आप जैसे कुछ किसी ने पूछ दिया, अरे तुरंत जवाब निकलेगा, रॉकेट की तरह जवाब आपका निकलेगा। मतलब कॉपी का मतलब होता है किसी चीज को उसी स्थान पर रख कर दूसरे स्थान तक ले जाना, उसी को हम लोग कॉपी कहते हैं। और कट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना ही होता है कट, ठीक है। और ये
पेस्ट क्या होता है, ये पेस्ट का ऑप्शन है, इसका क्या होता है यूज? तो इसका यूज होता है कि किसी भी कट या फिर कॉपी की गई ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को किसी जगह पर लेकर जाना, उसी को हम लोग पेस्ट कहते हैं। जैसे मैंने ये कॉपी किया है, अभी मुझे करना है पेस्ट, तो देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो इसका शॉर्टकट किया रहा है कंट्रोल भी, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैं जाऊँ तो ये पेस्ट का कई ऑप्शन है। ये देखो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मर्ज फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग की मर्जिंग है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है इसका इमेज बना देगा, जैसे अभी ये है तो इसका ये इमेज बना देगा, यू क्लिक कर, देखो ये जो आया ना हमारा, ये हमारा इमेज बन गया इसका, ये हमारा जो ये टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये हमारा इमेज है, इसको हटाना है। ये देखो मैंने इसको हटाया, अभी दूसरी जगह पे मैं इसको लेकर जाता हूँ, ये इमेज बन गया इसका। ये देखो मैं स्क्रॉल करके भी आ जाता हूँ नीचे, इसको देखो इमेज बन गया ना, मतलब ये इसका इमेज बना देगा। और फिर इसको जहाँ पर सेट करोगे ये देखो उसके बीच में ही सेट होगा, ये मतलब उसका यूज होता है बस ना, कि अगर आपको किसी चीज़ को बनाना है और उसको डुप्लीकेट बनाकर ऐसा मतलब शेप में कन्वर्ट करना है, जैसे शेप बनाना है उसका, तब आप उसका यूज करोगे। उसके बाद भी एक ऑप्शन आता है कि कीप ओनली टेक्स्ट, मतलब जिससे ना कि अगर इसमें मान लो मैंने ये सब कर दिया बस का कलर, ये देखो मैंने इसको कर दिया कलर, इसके बैकग्राउंड में कलर कर दिया, और अभी मैंने इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया या फिर कंट्रोल एक्स से कट कर दिया, फिर अभी मुझे यहाँ पर करना है पेस्ट, तो पेस्ट में जाऊँगा यहाँ पर बस कीप टेक्स्ट ओनली। देखो इसमें मैंने बस पेस्ट किया तो यहाँ से मैंने यहाँ तक, देखो मेरा पॉइंटर याद आपको अभी दिख नहीं रहा हो सही से, मैं एंटर कर देता हूँ ऊपर चले जाता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ पेस्ट में, ये कीप टेक्स्ट ओनली मतलब रखो बस ओनली टेक्स्ट, मतलब हमें बस यहाँ पर ना तो उसका टेक्स्ट का कलर चाहिए ना तो उसका फॉर्मेटिंग चाहिए, बस जो हमारा है टेक्स्ट वही आ जाए। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि मैंने उसको जब पेस्ट किया, यहाँ से देखो मैं अभी पेस्ट करता हूँ तो ये पूरा फॉर्मेटिंग आ रहा है, लेकिन वही अगर मैं बस जो फोर्थ ऑप्शन था कि टेक्स्ट ओनली उस पर बस क्लिक करूँगा, देखो सेम चीज़ होगा पेस्ट, लेकिन बस उसमें वर्ड होगा पेस्ट, ये नहीं पेस्ट होगा, जैसे उसका फॉर्मेटिंग जैसे कोई शेप हो गया उसमें का बस होगा टेक्स्ट, और जो जो टेक्स्ट का कलर होता है वो भी पेंट होगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि कट कॉपी पेस्ट, इसके मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई आप कट कॉपी पेस्ट के बारे में हमें कुछ बता दो, तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन करोगे। अगर आप एक्सप्लेन करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप एमएस वर्ड आसानी से सीख गए। तो बस यही होता है इस कट कॉपी पेस्ट में। लेकिन ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ये देखो इसका शॉर्टकट क्यों होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मतलब सी से इसका पूरा फॉर्मेटिंग कॉपी होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से उसको आप जो फॉर्मेटिंग कॉपी किया है उसको कहीं पर पेस्ट कर दोगे बस, ठीक है, मतलब फॉर्मेटिंग का कॉपी पेस्ट। यहाँ पर देखो जैसे फॉर्मेटिंग हो गया, ये मैंने कॉपी यहाँ पर रेड कलर से इसको ये टेक्स्ट लिया है, इसके बैकग्राउंड में मैंने येलो फिल किया है, तो अभी देखो इस पर क्लिक किया मैंने, अभी मैं क्या करूँगा इसको इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो हमारा है अभी मैं दो बार क्लिक करूँगा इस पर, अभी मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा फॉर्मेटिंग पूरा कॉपी हो गया, देखो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जो फॉर्मेटिंग हमारा इसमें कॉपी हो रहा है, ये नहीं कि मैं इसमें कोई ये जो मैंने पूरा सिलेक्ट करके टेक्स्ट को कॉपी किया वो नहीं, जो हमारा टेक्स्ट का कलर था वो कॉपी हुआ है उसके बैकग्राउंड में, मतलब उसका जो फॉर्मेटिंग था बस वो कॉपी हुआ है, ना कि उसमें टेक्स्ट कॉपी हुआ है। इसका शॉर्टकट की भी आपने देखा, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करूँ, अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट भी करूँ तो भी हो सकता है, ये बस मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, बस इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट बस कर इसको, देखो कंट्रोल ए करो फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करो, देखो पूरा फॉर्मेटिंग, अभी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करो इसको पूरा फॉर्मेटिंग कॉपी, और अभी मैं एक बार और यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ रेंडमली एक और, लेकिन ये तो हमारा फॉर्मेटिंग आ रहा है तो इसको आप हटा दो, मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि ये पूरा फॉर्मेटिंग बस कॉपी करता है और पेस्ट करता है, इसी को फॉर्मेट पेंटर। और इस पूरे ग्रुप को भी बोलते हैं क्लिपबोर्ड, और इसका ऑप्शन यहाँ से ओपन होता है और यहाँ से बंद होता है, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है।
एक शॉर्टकट की इसका है, देखो अल्ट क्लिक करोगे एच आ गया, फिर अभी एफ ओ अल्ट एच एफ ओ क्लिक करोगे तो देखो अल्ट इस वीडियो में कर रहा हूँ अल्ट एच एफ ओ आ गया क्लिपबोर्ड। फिर यहाँ से आप इसका जो भी पूरा का पूरा है, देखो मैं अभी ये पूरा यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ ऊपर, तो मैं पेस्ट टाइप पे क्लिक कर दिया, देखो जितना मैंने इसमें कॉपी किया था वीडियो प्रोवाइड पूरा का पूरा यहाँ पर गाइस कॉपी हो गया, ये दोनों तो एक ही था ना इसीलिए एक ही कॉपी हुआ। फिर क्लियर आल इसमें से देखो पूरा क्लिपबोर्ड को मैंने इम्पटी कर दिया, मतलब खाली कर दिया। अभी देखो उसके बाद हमारा आता है एक ग्रुप फॉन्ट का, इसका तो शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस डी, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा ये देखो फॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देखो इसमें जो जो ऑप्शंस है यहाँ पर जो जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे इसमें आपको मिलेंगे, ये एडवांस में जाओगे तो एडवांस ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मतलब जो जो ऑप्शंस इस पूरे ग्रुप में आपको मिलते हैं वही ऑप्शन आपको कंट्रोल डी डायलॉग बॉक्स ओपन करने पर मिलते हैं, तो आप दोनों का यूज करो, लेकिन आप दोनों तरीके से शॉर्टकट के लिए जहाँ से यूज करना चाहें वहाँ से यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग बताऊंगा कि स्टार्टिंग में आपको फॉन्ट में क्या है, तो स्टार्टिंग फॉन्ट है ये हमारा फॉन्ट का, ये फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट, जैसे यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, मतलब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट अगर देखो कंट्रोल्स इसका शॉर्टकट की भी अभी आपको शो हुआ होगा, हमने ध्यान नहीं देखा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ में क्लिक करूँ ये देखो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ही ओपन हुआ, क्योंकि उससे आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स वहीं से ना ओपन चेंज करोगे। और फिर यहाँ देखो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर बस जाओ, ये देखो गाइस इतने सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फॉन्ट, ये देखो फॉन्ट इतने सारे तो हो गए, लेकिन अभी इसमें से जो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर दो, देखो मैं अलग अलग यहाँ फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो सिलेक्ट कर लेना, देखो मैं पूरा सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो नीचे आपको एक इंटरेस्टिंग आपको मिला होगा, देखो ये बारकोड का हमारा फॉन्ट है, इससे आप बारकोड बना सकते हो, इसको स्कैन करोगे तभी भी ये पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा, मतलब जो जो इस फॉन्ट के अंदर लिखा होगा वो दिखाई देगा आपको, देखो इतने सारे हैं। और यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ये लग रहा है कि कोई सिंबल है, लेकिन क्या ये सिंबल नहीं है बल्कि ये भी एक टेक्स्ट है, और जहाँ जहाँ पर आपने स्पेस दिया है वहाँ पर आपको ऐसा सिंबल दिखेगा। अभी मैं इसको सिंपल करता हूँ, ये देखो मैंने ऐसा किया सिंपल सिंपल, बस मैंने किया ऐसा किया एरियल, मतलब इसमें बस फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो अलग अलग डिजाइन का फॉन्ट। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का साइज, और एक चीज आपको इसमें जानना जरूरी है कि आपका एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट का साइज क्या होता है और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज क्या होता है, तो आप जो नॉर्मल यूजर होंगे वो तो सोचते होंगे कि यहाँ पर देखो ये 8 इसमें दिखा रहा है तो 8 इसमें मिनिमम हो जाएगा, और 72 इसमें सबसे ऊपर दिखा रहा है तो वो इसमें मैक्सिमम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कुछ और होता है। देखो ये मैं ये वाला जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो मिनिमम जो होता है यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, जैसे मैंने 1 लिखा एंटर किया, देखो इतना छोटा यहाँ पर, इसको मैं जूम भी करूँ पूरा ये तभी भी दिखेगा नहीं, देखना ये देखो अब मैंने पूरे यहाँ पर मैक्सिमम जूम कर दिया 500 तब जाकर ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, मतलब इसमें जो मिनिमम साइज होता है जूमिंग का वो होता है हमारा 1, मतलब फॉन्ट का साइज, यार मैं जूमिंग करके जूमिंग का बता रहा हूँ, ठीक है, फॉन्ट का साइज मिनिमम तो इतना होता है, लेकिन एक बार और चेक करो, देखो यहाँ पर जाओ ऐसे क्लिक करो, इसका 1638 होता है, ये देखो इतना आपको शो तो हो नहीं रहा है, शो हो रहा है आपको, इसको आप छोटा बड़ा बस यहाँ करोगे, लेकिन अब अगर आपको चेक करना है कि आपका फॉन्ट रियल में कितना होता है तब मैं आपको बता दूं कि इसका मैक्सिमम फॉन्ट होता है 1638। देखो मैंने लिखा ना अभी, देखो मैं एंटर किया, ये देखो गाइस एक वर्ड सिर्फ इतना है, अभी ये वर्ड का आधा पार्ट है यहाँ पर और आधा पार्ट यहाँ पर, ये देखो आधा आधा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, और अभी मैं कंट्रोल ए करता हूँ, अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 11 करके छोड़ देता हूँ 11। अभी देखो यहाँ पर मेरे 50 पेज में, ये देखो
यहाँ पर अभी मेरे 15 पेजेस शो हो रहे थे कि बस एक लाइन जो ये हमारा टेक्स्ट है यही 15 पेज में आया था। देखो ये तो एक लाइन में यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी मैंने जब इसका मैक्सिमम फॉन्ट 1638 किया तो इसने 50 पेज कवर किए गाइस। देखो 50 पेज इसके, और उसको प्रिंट करना है बिल्कुल 1638 यानी 1638 फॉन्ट साइज में, तो आपको 15 पेजेस प्रिंट करने होंगे। उससे अच्छा तो इसको आप बड़ा करके एक ही पेज में कर लो। और इसके लिए नॉर्मल तरीका है यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज करने का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन इसका शॉर्टकट की, और घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। हाँ ग्रेटर देन बड़े के लिए है, तो छोटे के लिए तो लेस देन होगा ही, इसीलिए यहाँ से घटाओ बढ़ाओ ऐसे। देखो मैं घटा बढ़ा रहा हूँ, ये देखो मैंने इतने परिवर्त किया तो ये पूरा पेज, ये देखो 5 पेज ले लिया गाइस, ये देखो 5 पेज यहाँ पर ले लिया है। अभी ये 5वें पेज पर आ गया, मतलब इसने एक लाइन बस 4 पेज पे कवर किया। अभी इसको मैं छोटा कर रहा हूँ यार, इतना देखो इतना मतलब इसका है कि ये है तो बस इतना टेक्स्ट, लेकिन ले रहा है बहुत ज़्यादा स्पेस। और ये घटा दूँ तो देखो घटते घटते पूरा 1 तक चला जाएगा। ऐसे करके आप पूरा इसको चेक कर सकते हो, जिसको नहीं पता है कि आप किसमें फॉन्ट साइज कम होता है कितना जाता है, या फिर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ से देखो 1638 जो होता है उससे आगे आपका कोई फॉन्ट नहीं जाएगा। देखो मैं यहाँ पर कितना कर रहा हूँ अभी यार, बहुत बाकी है थोड़ा, पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000 अभी करके मैं छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद में बढ़ाऊंगा। ये देखो फोन 1000 तो हो गया, 1500 कर देते हैं, 1500 भी हो गया। देखो अभी जब 1638 जाएगा, देखो अभी मैंने इससे देखो ये 1630 आ गया ना, अभी मैं करूँगा तो यहाँ 1638 देखो मैं इस पर कितनी बार क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इससे आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये इसका मैक्सिमम स्टेज है, तो मैक्सिमम से ज़्यादा आप काम ही नहीं कर सकते। और यहाँ से मिनिमम 1 है तो आप मिनिमम कितना भी कर देगा 0 यहाँ पे करोगे फिर एंटर करोगे तो नहीं लेगा। रिस्ट्रिक्शन देखो द नंबर मस्ट बीन बिटवीन दिखा दिया ना आपको, 1 से लेकर 1638 के बीच में आप इसमें नंबर दे सकते हो, इससे भी आपको पता चल गया। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप MS Word चलाते हो तो उसमें जो फॉन्ट का साइज है मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये चेंज केस, ये केस का मतलब होता है कि जो लिखा है उसका फॉर्मेटिंग, कि उसको सेंटेंस में लिखना है अपर केस लोअर केस ऐसे, उसका लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम लोग चेंज केस कहते हैं। मतलब केस चेंज का मतलब तो बदलना होता है, तो यहाँ से आप बदल सकते हो सेंटेंस केस, ये हमारा पहले से ही सेंटेंस केस में है, अभी लोअर केस में कर दूँ। लोअर केस मतलब जो भी ये पूरा का पूरा जो हमारा ये टेक्स्ट है ये स्मॉल लेटर में ही आएगा। अभी मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा तो सारा का सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो सब कैपिटल में हो जाएगा। देखो देखो हो गया ना कैपिटल। अभी मैं इस पर क्लिक करूँ, अभी मैं ये कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब जो भी हमने वर्ड लिखे हैं उसका जो फर्स्ट मतलब कैरेक्टर है वो सिर्फ कैपिटल हो, तो देखो हो गया ना। इसका भी बहुत यूज होता है, लेकिन ये सबसे नीचे ये तो मुझे सबसे यूजलेस लगता है ये वर्ड। इसमें जो होता है कि आपका वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल हो जाएगा और सारे के सारे कैपिटल, ये पूरा यूजलेस है, तो इसका यूज आपको होता नहीं करना। देखो रिस्ट्रिक्शन भी दे दिया इससे कि आपको रिस्ट्रिक्शन, देखो अभी मैं इसे करता हूँ तो इसके नीचे जो रिस्ट्रिक्शन का रेड लाइन होता है वो नहीं है। अभी देखो इसको मैं नो कलर कर दूँ पहले, और ये फॉन्ट कलर है इसको अभी ब्लैक पहले कर दूँ, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, अभी मैं जो फॉन्ट का कलर है इसको ब्लैक कर दूँ, पूरा ब्लैक हुआ ना। अभी देखो मैं यहाँ पर इसमें जाना है मुझे, अभी यहाँ पर मैं करूँ बस यहाँ से टॉगल गए तो देखो रिस्ट्रिक्शन आ गया ना, मतलब इससे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि आप ऐसे नहीं लिखो, ये फॉर्मेटिंग जो आपका है रॉन्ग है। ये MS Word भी जानता है कि आपको कैसे लिखना चाहिए और कैसे नहीं, अगर गलत आप तरीके से लिख रहे हो तो रॉन्ग दिखा देगा। तो आपको हमेशा इस वर्ड मतलब इसमें आपको यूज करना चाहिए या फिर सेंटेंस केस,
सेंटेंस केस का भी देखो, सेंटेंस केस में है, सेंटेंस केस में बस ये होता है कि ये एक सेंटेंस बन जाएगा, जैसे ये पूरा पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे पॉइंट है तो वो ऑटोमेटिक ऐसा ही रहेगा। और अभी मैं कर दूँ यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, और फिर अभी सेंटेंस केस करूँ ये, अभी भी नॉर्मल। लेकिन अभी मैं देखो लोअर केस मैंने कर दिया ना, अभी मैं सेंटेंस केस करूंगा तो ये जो हमारा फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप का पॉइंट, डॉट भी बोले हो इसको, डॉट कंप्यूटर में बोलते हैं, तो ये जो डब्ल्यू है ये भी है, ये हमारा सेंटेंस केस में बड़ा हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बोला भी बड़ा हो गया, और कोई इस लाइन में इस सेंटेंस में बड़ा हुआ है देख लो, और फिर डब्ल्यू बड़ा हुआ है, फिर उसके बाद हमारा ये इसमें कोई बड़ा नहीं हुआ है, बस वाई बड़ा हुआ है, मतलब तीन जगह पे हमारा ये, मान लीजिए कि एक पैराग्राफ में हमारे तीन सेंटेंस आए तो इसमें तीन ही बस होगा, उससे ज्यादा जो हमारा है वो नहीं होगा, तो इसके बारे में आप जान लिए। फिर ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने इसमें ये जो लाइनिंग है इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है, मतलब ये फॉन्ट का मैंने कलर चेंज किया है इसके बैकग्राउंड में, तो इसमें बस ना देखना अभी बस जो बैकग्राउंड में है येलो कलर वो नहीं हटेगा। देखो मैंने जैसा कहा बैकग्राउंड में जो येलो कलर है वो नहीं हटेगा, लेकिन जो फॉन्ट है हमारा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे दो तीन चीजों का आपको एमएस वर्ड में दो तीन क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, जैसे कि आप अगर एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है 11। इसको आप ये जो फाइल में ऑप्शंस करके एक ऑप्शन था उसमें मैंने आपको बहुत चीज बताया, तो उसी में से इसको आप सेट कर सकते हो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। और ये जो होता है डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो ये कैलिबरी बॉडी होता है, ये भी आप वॉइस चेंज कर सकते हो ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम ये तो आपको पता ही है। और फिर ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इससे पूरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको भी फॉर्मेटिंग क्लियर करूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका कोई कलर, रेड कलर में दे देता हूँ, फिर अभी फॉर्मेटिंग क्लियर, ये देखो फॉर्मेटिंग गाइस क्लियर हो गया, लेकिन जो फॉन्ट है ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स आ गए, ये आया हमारा फॉन्ट, यहाँ से वापस हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखो हमारा जो भी एलिफेंट फॉन्ट भी हम कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं हटा, मतलब फॉर्मेटिंग में ये ऑटोमेटिक ऐसा आ जाएगा, क्योंकि हमने अलग फॉन्ट यूज किया तो फॉन्ट फॉन्ट का भी तो फॉर्मेटिंग होगा ना। लेकिन आप अभी सोच रहे होगे कि भाई तुम बिना यहाँ पर जूमिंग और जूम आउट के पास गए आप ये जूम इन और जूम आउट कैसे कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बस अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड कर रहा हूँ, और जो मेरे हाथ में माउस है उसको मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर मैं पीछे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है, लेकिन वही अगर मैं आगे की तरफ और स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, मतलब सामने की तरफ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, और अगर मैं पीछे की तरफ पे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। देखो इसका नॉर्मल 17, 18, 19, 100 हो गया ना, मतलब 100 का 100 यहाँ पर हो गया। अभी ये हमारा जो फॉन्ट में इतना ऊपर का ऑप्शन हो गया, फिर उसके बाद आता है मेन बारी बोल्ड, इस मतलब बोल्ड का। अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन आता है बोल्ड, इसका शॉर्टकट की आपको दिख ही रहा होगा, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा, बोल्ड मतलब थोड़ा सा जो आपका फॉन्ट है वो पतला है, जैसे ये वाला मैं फॉन्ट ले लूँ, ये आपको फॉन्ट बड़ा दिख रहा होगा दुबला पतला, इसी इसको अभी हम मोटा बनाते हैं, तो बस इस पे क्लिक करते हैं। ये देखो ये क्या हुआ, ये थोड़ा हट्टा कट्टा हो गया ना टेक्स्ट, मतलब बोल्ड हो गया, मोटा हो गया यार। फिर आता है इटैलिक, इटैलिक इटैलिक यानी कि अरे जैसे ऐसा लगता है कि कोई आदमी का जो बॉडी है एक तरफ से पैर थोड़ा कट गया है और ऐसे झुक गया है। देखो अभी मैं इटैलिक पे, देखो जो इटैलिक में आई लिखा गया है वो आई थोड़ा सा तिरछा है ना, ऐसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर सही दिखा देता हूँ, ये देखो अभी फॉन्ट हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं इटैलिक को हटाऊं, ये देखो फॉन्ट बिल्कुल सीधा हो गया। अभी मैं इटैलिक करूं तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा तो हो ही गया ठीक है। ये बस इसका काम होता है कि आपके फॉन्ट को थोड़ा डिजाइन दे देता है, जैसे अलग अलग आपको
डिजाइन्स बनाने हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिजाइन बन जाता है। और जो इसका शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस आई, इसको भी नोट कर लो भाई, इस सबको नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट की। अभी तक आपने नोट नहीं किया तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ये जो कट है उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, फिर ये फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, फॉन्ट साइज हम घटाने बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी, फिर से फॉन्ट बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। और ये जो फॉन्ट है इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, इसका भी कोई शॉर्टकट की नहीं है। और बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। तो अभी मैं बताता हूँ अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन मतलब अंडर यानी नीचे, लाइन यानी लाइन, लाइन मतलब सिंपल लाइन यार, तो अंडर अंडरलाइन यानी कि नीचे की तरफ लाइन। तो बस यही नहीं है कि आप एमएस वर्ड में सिर्फ नीचे की तरफ ही लाइन करो, इसमें एमएस वर्ड में आप नीचे से नीचे की जगह ऊपर की ओर भी लाइन कर सकते हो, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी तो मैं पहले नीचे की तरफ लाइन के बारे में बता दूं, तो ठीक है अंडरलाइन, अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा। देखो एक मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये नीचे की तरफ एक लाइन आ गया ना, नीचे की तरफ लाइन, इसी को बोलते हैं अंडरलाइन। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि जैसे कि आपका जो पेज का मार्जिन होता है, अगर आप उसको जूम करते हो तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है। जैसे अभी डिफॉल्ट में तो हमारा ये वाला स्क्रॉल बार है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार यानी कि ऐसे जैसे ही हम इसको ज़्यादा जूम करते हैं तो इस साइड पेज के जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे, नहीं जाएगा। तो ये आता है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इससे देखो हम क्लिक करते हैं तो इधर उधर जा रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, ये देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसको बस आप जैसे बिल्कुल बारीकी से एमएस वर्ड में तो डिज़ाइन भी बनाते हो, तो एमएस वर्ड में आप देखना, हमने अपने चैनल पे एमएस वर्ड के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने इसको जूमिंग करके अलग अलग तरीके से एडिट पॉइंट का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो फॉन्ट होता है अभी हम जो अलग से है उस बातों को अभी हम बाद में बताएंगे, तो अभी पहले हम जिस टॉपिक पे अभी कर रहे हैं काम उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो ऑप्शंस होते हैं, अगर राइट क्लिक करोगे ये ऑप्शन तभी भी आ जाएंगे। देखो ये ऑप्शन आ गया, मतलब पूरा का पूरा है या नहीं देख लो, ये सारे के सारे ऑप्शन, ये भी है फॉर्मेट पेंटर भी आ गया, ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए। और यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट फॉन्ट पैराग्राफ, मतलब जो भी होम टैब में है ये सारे के सारे ऑप्शन इधर आ गए। और अलग अलग जो भी है मेन्यू या फिर टैब बोल सकते हो उसे, उसके भी सारे ऑप्शन इसमें आ गए हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आप ये, लेकिन इससे पहले मैं अंडरलाइन के दो तीन और तरीके बताऊंगा। मतलब एक तो यहाँ से करो कंट्रोल यू करो, मतलब शॉर्टकट की से, फिर ऐसे करोगे देखो इतने सारे अंडरलाइंस के ऑप्शन, ये देखो डैश डैश ऐसा वाला आ गया, ऐसा डैश डैश डॉट डॉट, ये वाला जिगजैग लाइन नॉन कर दोगे अंडरलाइन हट जाएगा। फिर यहाँ पे मोर अंडरलाइंस में जाओगे तो देखो यहाँ पर तो पहले आ गया फॉन्ट, फॉन्ट को छोड़ो अभी मैं अंडरलाइन के बारे में। तो देखो फॉन्ट तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का जो कलर है यहाँ से चेंज करोगे। जैसे फॉन्ट मैंने येलो कर दिया, नहीं येलो, येलो तो हमारा पहले से फील है, तो मैं इसमें रेड कर देता हूँ। और जो अंडरलाइन का कलर है उसको मैं यहाँ से येलो कर दूंगा, नहीं येलो नहीं, इसको हम कर देते हैं ये। अभी अंडरलाइन का स्टाइल नॉन कर दोगे तो अंडरलाइन नहीं होगा, बस ये जो हमारा फॉन्ट कलर है और अंडरलाइन कलर है वो होगा। वर्ड ओनली कर दोगे तो यहाँ सैंपल में देख सकते हो, मतलब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है तो उतना ही, फिर उसके बाद जो स्पेस रहेगा उतना अंडरलाइन नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है ये सारे डिजाइन, ये तो आप देख ही लोगे। फिर ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, आल कैप्स, हिडन, ये सारे ऑप्शन आते हैं। और यहाँ पे एडवांस में भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, तो अभी मैं उसको बताऊंगा।
अभी देखो ये मैंने रेड किया और ये नीचे का, अरे मैंने क्लिक कर दिया पर्पल, ये देखो वर्ड ओनली बस यहाँ पर हुआ है, देखो ओनली वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन हुआ है और वर्ड के अलावा जो भी है हमारा वो अंडरलाइन नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पर वर्ड ओनली सिलेक्ट किया है। और इसमें अंडरलाइन कलर आप यहाँ से भी दे सकते हो, जैसे मैं अंडरलाइन कलर है इसको ब्लैक कर दूँ, अभी ब्लैक आपको चेंजिंग दिखाई नहीं दिया होगा तो एक बार और मैं चेंज करके अभी मैं रेडी कर देता हूँ। अभी सेलेक्ट करना पड़ेगा गाइस, पहले तो सेलेक्ट कर लो, फिर अभी इस पे जाओ, अंडरलाइन कलर में जाओ। अभी देखो रेड मैंने इतना दूर सिलेक्ट किया, रेड हुआ ना, मतलब अंडरलाइन से आप अंडरलाइन का कोई भी स्टाइल ले सकते हो, ये नहीं कि आप एक ही स्टाइल पे काम चलाओ, जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन लो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रो, जैसे आप एक मतलब एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, कुछ आपने लिखा है इसमें, इसमें कोई आपने लिख दिया टेक्स्ट और उसको चाहते हो कि वो जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे आप मेरे पास ये बड़ी सीट है, ठीक है, ये मान लो मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का डाटा तैयार कर लिया, अरे मान लो बस, तो इसमें मान लो कि मेरा ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा गलत और मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, बस दिखा देना है कि ये गलत है तो है, ये नहीं कि इसको हम डिलीट कर दें। तो इसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं, बस इस पर क्लिक करते हैं, देखो इस पर एक लग गया, इस पर कट, अभी मैं फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ आपको दिख जाएगा, जिस फॉन्ट जिस कलर का आपके पास फॉन्ट आएगा उसी कलर का स्ट्राइक थ्रो, मतलब जैसे आप अपनी नोटबुक पे करते हो, आप अगर स्कूल में जाते हो कोई नोटबुक उसमें कुछ भी गलत हो जाता है तो बस आप पेन से एक उस पर लगा देते हो क्रॉस, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है कि इससे आप कोई भी फॉन्ट है उसको बिना वहां से हटाए उसको ऐसा लगेगा कि हटा दिया आपने, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा आता है सब स्क्रिप्ट, इससे क्या होता है कि आप कोई भी जो भी इसमें हेड टेक्स्ट उसको नीचे लिख सकते हो, जैसे ये हमारा हेड टेक्स्ट इधर सिलेक्ट करता हूँ, अभी मुझे इसको नीचे करना है, ये देखो नीचे हो गया, लेकिन अभी मान लो मुझे यहाँ पर ऊपर लिखना है तो ये मैं सब स्क्रिप्ट करूंगा, देखो ऊपर आ गया ना, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको भी हटा दूँ, नॉर्मल हो गया, अभी मुझे यहाँ पर लिखना है ऊपर, अभी मैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में कुछ लिखना चाहता हूँ, देखो ये है, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर कुछ भी आपने लिखा है, देखो मुझे पावरफुल लिखा है तो इसमें मुझे चाहिए कि ये जो फुल है ये सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट हो जाए, तो ये देखो सब स्क्रिप्ट करना है, यहाँ पर जाओ कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करो, देखो मैं कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करता हूँ, ये सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट का भी शॉर्टकट की आपको दिखेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखो ये हमारा सही से क्लिक नहीं हुआ, इसको हम क्लिक करते हैं सही से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये शिफ्ट इसलिए बोल रहा है कि ये बस आप कंट्रोल प्लस भी आप करोगे ना तभी हो जाए, कंट्रोल प्लस, ये शिफ्ट इसलिए कि जो आपका कीबोर्ड है उस पे जो आपका बैक स्पेस के लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है उस पे लिखा होता है इक्वल और प्लस, तो प्लस को क्लिक करने के लिए आपको और शिफ्ट की का यूज करना पड़ता है, इसीलिए वहां पर देता है, वरना आप दूसरे तरीके से भी इसका देखो, अगर इसको आपको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करना है तो बस इस पे क्लिक करो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी क्लिक करोगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया ना, अभी मैं फॉन्ट में जाता हूँ और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट देखो सब स्क्रिप्ट पे है, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट में कर देता हूँ, बस अभी यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट में करूंगा सब स्क्रिप्ट करूंगा, दोनों ऑप्शन यहाँ से आ जाएंगे, तो देखो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ में आया। सब स्क्रिप्ट होता है कि किसी वर्ड को मतलब कोई वर्ड आपने लिखा है उसके नीचे छोटे से में आप सब स्क्रिप्ट का यूज करके लिख सकते हो, उसके ऊपर लिखना है, जैसे आप लिखते हो, जैसे मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे एंटर करके, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वर्ड, जैसे फर्स्ट आप लिखते हो स्कूल में तो ऐसे तो लिखते नहीं होगे, हाँ मैं जानता हूँ ऐसे नहीं लिखोगे, आप ST ऐसे लिख दो, फिर ऐसे सिलेक्ट कर दो, इसको आप सुपर स्क्रिप्ट कर दो, ऐसे लिखते हो ना, सही बोलना है, ऐसे ही लिखते हो सब स्क्रिप्ट में, मतलब ऐसे कुछ है, जैसे आपको लिखना है यहाँ पर CO2 तो यहाँ पर लिख दिया CO लिख दिया 2, तो CO2 ऐसे लिखते नहीं हो, CO2 आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, ठीक है,
ऐसे लिखते हो ना, ऐसे आप जो वर्ड है हमारा, ये है मेन वर्ड, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, ऐसे लिखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट में आप ऐसे लिखते हो कि सुपर स्क्रिप्ट ये है आपका, मतलब इसे सब सुपर स्क्रिप्ट तो ये हो गया, और सब स्क्रिप्ट जैसे सी ओ टू लिखना होता है, एच टू ओ लिखना होता है, तो वो तो सिंपल है, लेकिन अब सी ओ टू लिखते हो तो ऐसे लिख दोगे, तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट ऐसे कुछ, मतलब जो भी स्पेशल वर्ड्स होते हैं उसके लिए इन दोनों का यूज करते हैं। जैसे स्पेशल वर्ड्स हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब मतलब पूरा इटीसी जितना भी होता है, और ऐसे जितने भी आप इक्वेशंस लिखते हो उसमें इन सभी का बहुत यूज होता है। जैसे इक्वेशंस हो गए, जितने सारे इक्वेशंस आप लिखते हो मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे इक्वेशंस आप इसमें से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपका सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक और आपका ऑप्शन आता है, पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ गाइस, जूम आउट हो गया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे, हो गया इतना। अभी ये हमारा ऑप्शन क्या आता है, ये आता है हमारा इफेक्ट का, मतलब जो भी हमने इसमें लिखा है इसमें टेक्स्ट उसको इफेक्ट देंगे। जैसे हमारा ये नॉर्मल है, ये हमने लिखा है बस, ये फॉन्ट को किया है कलर, ये नहीं हमको ऐसा चाहिए थोड़ा डिजाइन लगे इसमें, ब्राइटनेस हो, तो ऐसे देखो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा देखो इसका शैडो बन गया, ऑटोमेटिक है इफेक्ट, ये नहीं कि आपको कहीं से एडिट करना पड़ रहा है इसको। फिर से इसका आउटलाइन दे दो, यहाँ से मैं ब्लैक कर दिया, आउटलाइन जो है ब्लैक होगा व्हाइट होगा, देखो व्हाइट मैंने किया तो थोड़ा सा लाइट हुआ ना। फिर अभी शैडो रिफ्लेक्शन, मतलब इसमें आप बस देखो फॉन्ट जो ऑप्शन है तो फॉन्ट से आप समझ रहे हो जो भी इसमें होते हैं टेक्स्ट उसको ही बस इसमें एडिट कर सकते हो, ये नहीं कि कोई शेप लिया और इसमें फॉन्ट से आप शेप एडिट करने लगे। अरे शेप अगर कोई भी लेते हो तो उसके लिए एक अलग आपको मेन्यू खुलता है फॉर्मेट का, तो उसमें आप फॉर्मेट शेप में जाओ, उसमें फॉर्मेट करो। इसमें जो फॉन्ट है इसमें तो बस आप अरे बस फॉन्ट को ही कर सकते हो, कोई भी लिखा है आपने टेक्स्ट उसको एडिट कर सकते हो, मतलब बस फॉन्ट का इसमें कर सकते हो, फॉन्ट के अलावा इसमें आप किसी और चीज को एडिट नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारा आता है एक और ऑप्शन, उसके पहले हमें इसके लिए सिलेक्ट करना होगा, और ये हमारा आता है टेक्स्ट को हाईलाइट। जैसे स्कूल में कोई मेन पॉइंट होता है, मेन टॉपिक होता है, उसको हाईलाइट करना होता है, तो आप क्या करते हो, एक हाईलाइटर आती है पेन, उससे बस मतलब ऐसे मान लो मेरे पास ये पेन है, ऐसे मैंने कर दिया, ये हाईलाइट हो गया बस। इसमें भी हाईलाइटर है, ये है हाईलाइटर, जिस कलर का हाईलाइटर वो तो आप एक ही कलर का हाईलाइटर खरीदते हो तो एक कलर का ही होता है, लेकिन इसमें जो कलर चाहे वो हाईलाइट करो, जो कलर यहाँ पे इतने सारे कलर दिए गए हैं, येलो करो रेड करो, ये हाईलाइट हो गया। फिर अभी हमारा ऑप्शन आता है इसमें टेक्स्ट कलर का, कि जो भी हमारा इसमें टेक्स्ट है उसको हम कैसे कलर करेंगे, कैसे कलर। जैसे अभी तो मेरा ये ब्लैक है ना, तो अभी मुझे इसको रेड करना है, तो यहाँ से जाऊँगा रेड कर दूंगा, और अभी मुझे इसमें ग्रेडियंट करना है, मतलब ग्रेडियंट का मतलब देखो पहले मोर कलर्स के बारे में बताता हूँ फिर ग्रेडियंट। यहाँ देखो मोर कलर में इतने सारे कलर, ये कस्टम में जाओ इतने सारे कलर, और ये जो होता है ना इसका हेक्स यानी कि इसका भी जो कोड होता है। अभी मुझे वाइट करना है सारा कुछ को, मैं कर दूंगा यहाँ से कट, अभी मैं इसमें एफ एफ बस लिख दूंगा, एफ 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 एफ, और जितना टाइम से ये एफ लेगा तो वो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो वाइट हो गया। अभी हम इसमें रेड कर देते हैं, मतलब जो इसका अलग अलग होता है कोड, जैसे आपको गोल्डन भी करना होता है तो उसका भी अलग इसमें कोड होता है। तो इसके बाद हमारा कोई ऑप्शन यहाँ फॉन्ट ग्रुप में है नहीं, ये मैंने फॉन्ट ग्रुप का सारा बता दिया, ये भी बता दिया, होम टैब भी खत्म कर दिया। अभी हम आगे तो बढ़े, अभी हमारा आएगा पैराग्राफ ग्रुप, इसमें पैराग्राफ यानी कि जो भी ये हमारा एक पैराग्राफ है इसके बारे में इसमें हम लोग बताएंगे। तो ये जो हमारा पूरा पैराग्राफ है इसमें एक ऑप्शन आता है, तो पहले मैं क्या करता हूँ एक पेज इंसर्ट करता हूँ, अगर आपको कंट्रोल एंटर करेंगे तो लग जाएगा इसमें पेज ब्रेक, जिससे जो हमारा पेज होगा दो हिस्सों में बट जाएगा, और जहाँ पेज ब्रेक करोगे जैसे अभी देखो अभी वही हमारा पेज, ये वाला हमारा पेज था एक, मान लो कि न्यू पेज हमारा इंसर्ट हो गया, फिर वही अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करोगे तो आने का चांस, देखो आ गया, चांस नहीं यार पूरा कंफर्म है कि आएगा पेज।
कंट्रोल एंटर करो, न्यू पेज इंसर्ट, अभी कंट्रोल बैक स्पेस करो, ये आ जाएगा वापस पेज, वही वाला पेज जो कि आपने पेज को किया इंसर्ट। यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करो, जो भी आपका रहेगा पेज। लेकिन कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से एक और चीज होता है, अगर एक वर्ड आपको डिलीट करना है, कंट्रोल क्लिक करो बैक स्पेस, देखो पूरा वर्ड क्लिक हो रहा है। ऐसे में बैक स्पेस करूँ तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, पहले यहाँ पर मैं अभी एक बार क्लिक करूँगा इसे, ये हो रहा है एक एक वर्ड वर्ड डिलीट, फिर वर्ड एक, फिर वर्ड, लेकिन मुझे मतलब एक एक यहाँ पे कैरेक्टर डिलीट हो रहा था, और मुझे चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिलीट करना है, और उसमें आप डिलीट की का यूज नहीं करना चाहते हैं सेलेक्ट करके, तो कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और बैक स्पेस क्लिक कीजिए। एक एक वर्ड आपका डिलीट हो रहा है, ये पूरा देखो आप बस ऐसे क्लिक करते जाओ, ये आपका डिलीट होता जाएगा। और कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज करोगे तो मतलब राइट साइड में एक एक वर्ड डिलीट होगा, और कंट्रोल बैक स्पेस से लेफ्ट साइड में एक एक वर्ड डिलीट होगा। लेकिन हमने पूरा इसको डिलीट कर लिया, तो हम इसको जूम साइज कर लेते हैं, ऊपर हमने सारा का सारा डिलीट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, पहले कंट्रोल बैक स्पेस एंड वन पेज, यहाँ पे एडेड, एक पेज एड हो गया। तो अभी हम बताएंगे कि आप इसमें पैराग्राफ क्या करोगे। तो पैराग्राफ होता है ये, मतलब पैराग्राफ जैसे आप पेपर कुछ बना रहे हो, मतलब कुछ लिख ही रहे हो, तो उसमें आपको बुलेटिंग देनी है अलग अलग पॉइंट्स की। देखो इस पे क्लिक करो, ये आ गया, ठीक है। अभी मैं इस पे बुलेटिंग दे देता हूँ, कहाँ गया यार, ये बुलेटिंग हमारा आ जाएगा इसमें। ये हमारा जो पेज का मार्जिन है, इसको आप पहले सही कर लो, फिर अभी इस पे क्लिक कर दो, ये एक बुलेटिंग आता है। जैसे कि आप बुलेटिंग में यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर, और अभी मैं इसमें बुलेटिंग ऐड कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से बुलेटिंग ऐड हुआ, क्योंकि हमारा जो मार्जिन पेज का है वो यहीं से सेट है। हम यहाँ से अभी जैसे लिखते जाओगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता जाएगा। जैसे बुलेटिंग 1-2 करना है, यहाँ से जाओ, ये चेंज लिस्ट लेवल, मतलब अलग अलग ये जो लेवल है इसका चेंज। देखो अभी यहाँ पर शो हो रहा है, अभी ये जो हमारा लेवल हमको चाहिए ये 1 नंबर पे था, अभी ये आ गया 2 नंबर। जैसे मैं एंटर कर दूं, अभी ये मैंने एंटर किया, अभी देखो यहाँ पर मैं बुलेटिंग मैंने लगाया, फिर अभी मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये आया। लेकिन अभी मुझे चाहिए कि ये मुझे इसके बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, मतलब ये जिस दिशा में उसमें नहीं, इससे मुझे यहाँ थोड़ा सा साइड राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिस्ट लेवल पे चेंज लिस्ट लेवल, ये लिस्ट लेवल में 2 कर देता हूँ, देखो इतना हुआ। और अभी मैं इसमें कुछ लिख कर एंटर करता हूँ, इसके लेवल अभी मैं यहाँ से 3rd लेवल पे चले जाता हूँ। मतलब इससे आप जितना लेवल इसमें दिया गया है आप उसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट, इसमें आप देखो सिंबल्स में जाओगे ना, देखना इतने सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, मतलब इसमें बुलेटिंग जो बुलेटिंग देना चाहो वो बुलेटिंग। ठीक है, ये जो हमारा लोगो है, मतलब ये जो हमारा सिंबल है, ये तो आ गया। अभी हम बात करेंगे कि अभी आप इसमें जो भी बुलेटिंग है उसके अलावा इसमें बुलेटिंग कैसा कैसा कर सकते हो। तो बुलेटिंग तो बस ये है, लेकिन अभी आप इसमें अलग अलग, ये बस बुलेटिंग का ऑप्शन ही आपको मिलेंगे इसमें। बुलेटिंग के अलावा जैसे 1, 2, 3 का बुलेटिंग हो गया, हेडिंग 1, हेडिंग 2 का बुलेटिंग हो गया, और इसमें लेवल चेंज, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, बस ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये आपको बस देंगे कि आप इसमें बस बुलेटिंग दिखाओ। लेकिन उसके अलावा ये एक ऑप्शन होता है डिक्रीज इंडेंट, जैसे ये हमारा इंडेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं डिक्रीज करूँगा। देखो डिक्रीज करते ही इंडेंट जो हमारा है ये देखो राइट साइड में भी जा रहा है, लेकिन अभी मैं इस तरफ देखो लेफ्ट साइड में पूरा ऑटोमेटिक पहले से डिक्रीज था, और अभी इंक्रीज करूँगा मैं तो ये देखो पूरा ऐसे हो जाएगा। अभी जितना मैं इस पर क्लिक करूँ ये देखो एक एक वर्ड में हो गया ना, मतलब ये गायब ही हो गया। वही मैं अभी राइट साइड का डिक्रीज करता हूँ तो देखो ये वापस आ रहा है, ये जिस फॉर्मेट में था, मतलब इंडेंट आप इसका जो भी लिखा गया है इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट बस सेट करोगे। फिर उसके बाद ये हमारा आता है शॉर्ट, तो अभी शॉर्ट का देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, अभी मैं यहाँ पर बी लिख दिया, अभी मुझे सी, मतलब ऐसे लिख दिया। लेकिन मुझे चाहिए, देखो यहाँ पर मैंने जे भी लिख दिया, यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया, यहाँ पर मैंने डी लिख दिया डी, ठीक है। और मुझे ये चाहिए कि
मैंने जैसे लिखा ये ए है तो इसके बाद आ जाए बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर उसके बाद जो आता है मतलब ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट हो जाए लाइनिंग में बिल्कुल, जैसे ऐसे ये होता है अल्फाबेट में, तो बस इसका इस पर क्लिक कर देना। ये देखो अभी असेंडिंग में है, मतलब कि पहले ए रहेगा, पहले ए आ गया ठीक है। अभी मैं डिसेंडिंग करूंगा यहाँ सेलेक्ट, तो देखना पहले ए लास्ट में आ जाएगा। मतलब इससे बस आप शॉर्ट कर सकते हो कि अगर ए बी सी डी आपका इधर उधर लिखा गया है तो उसको बस बिल्कुल सही तरीके से कैसे लिखोगे ठीक है। इंडेंट, और ये होता है एक बस सिंबल होता है पैराग्राफ का, हर पैराग्राफ के लास्ट में कि ये एक इंड हो गया पैराग्राफ, इसको सो वाइट कुछ भी करो यार। फिर हमारा आता है मार्जिन, मार्जिन या फिर अलाइनमेंट, यह होता है हमारा अलाइन लेफ्ट, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है। जैसे ये मैं पहले इसको राइट साइड में कर लेता हूँ ठीक है, राइट। अभी मैं कंट्रोल प्लस एल क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, देखो तो लेफ्ट आ गया ठीक है। अभी आता है सेकंड नंबर पे सेंटर, इससे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँ तब आएगा ये, कंट्रोल प्लस ई, देखो सेंटर में आ गया, मतलब ये सेंटर में आएगा। सेंटर से हम राइट करेंगे कुछ भी तो सेंटर से राइट होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एक और ऑप्शन राइट का, तो इसका भी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। देखो ये हमारा अभी सेंटर से हुआ था और लेफ्ट से हुआ था, अभी हम कंट्रोल आर क्लिक करेंगे तो राइट साइड से। जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ, तो ये जो वर्ड है देखो, अभी मैं एक क्यू क्लिक किया, अभी देखो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है ना लिखना, अभी राइट साइड से स्टार्ट हुआ लिखना। फिर एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई, जिससे जितना भी ये लाइनिंग है उसमें पूरा फिट हो जाएगा। जैसे देखो पूरा बिल्कुल साइड से थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं है ना, और ये कहीं कहीं पे डबल गैपिंग दे देता है, या गैपिंग जो होता है उसको बढ़ा देता है। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक कर्कट, लेकिन तो तभी भी देखो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। देखो अभी मैं ये पूरा यहाँ कर देता हूँ कट, लेकिन मार्जिन पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेस भी मैं देता जाऊँ तो मार्जिन पे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना इतना गैपिंग इसमें दे दिया, लेकिन ये गैपिंग एक ही है बट आपको शो नहीं हो रहा है, बस इसमें आप कितना भी गैपिंग दे दो लेकिन ये मार्जिन बिल्कुल जस्टिफाई यानी पूरा सेट हो जाएगा। लेफ्ट कर दो बस आप, ऐसे आपको सिंपल में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है एक ऑप्शन ये लाइन स्पेसिंग, जैसे लाइंस के बीच आपका जो स्पेसिंग होगा वो कितना रहेगा। जैसे मैं दूसरा पैराग्राफ पे चलता हूँ, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें देखो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा गैपिंग है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँ, अभी वन देखो वन पे गया, थोड़ा सा कम हुआ, अभी 1.5, 1.15, 1.5, 2 point, 2.5, 3 point, ये देखो अलग अलग है। फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से आप अलग अलग मतलब जितना आप उसमें देना चाहते हैं स्पेसिंग वो दे सकते हो। फिर यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जैसे देखो अभी मैं पहले इसको नॉर्मल करता हूँ कंट्रोल जेड, देखो अभी ये देखो यहाँ से ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ के बीच में इतना स्पेसिंग है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक किया, अभी मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो ये अभी स्पेसिंग ज्यादा था लेकिन अभी स्पेसिंग कम हो गया, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ किया ना, तो इसीलिए यहाँ से रिमूव हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन, कि ये शेडिंग यानी कि हाईलाइट, जो भी हमने पूरा वो टेक्स्ट लिखा था उसको भी हाईलाइट, ये पूरा बिल्कुल एक फॉर्म फॉर्म तैयार कर सकता है ऐसे। और एक ऑप्शन आता है बॉर्डर, बॉटम बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इसमें आप, और फिर व्यू ग्रिड लाइंस, इसका यूज इसमें नहीं होता, वो एक्सेल में ऐसे कुछ ऑप्शंस आते हैं। फिर आउटसाइड बॉर्डर, मतलब ये जो बॉर्डर है इसके आउटसाइड का राइट साइड में एक बॉर्डर, जैसे देखो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इतना सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं बॉर्डर पे गया, देखो बॉटम बॉर्डर दिया नीचे, ये टॉप बॉर्डर दिया ऊपर, राइट में दिया तो राइट साइड में, देखो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट, राइट में राइट हो गया। ये नो बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, पूरा बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड में इनसाइड बॉर्डर, तो इनसाइड के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल, मतलब बॉर्डर बस आप इसमें दोगे और कुछ नहीं करोगे। और इसका जो पूरा ऑप्शन खोलना रहता है यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरा इसका लाइन एंड पेज ब्रेक सारा ऑप्शन से यहाँ से खुल जाएगा ये, और इसमें से आप इंडेंट, स्पेसिंग, लाइन एंड पेज पेज ब्रेक सारे के सारे यहाँ से देखो। बस मतलब इसमें बस पैराग्राफ के बारे में आपको बताया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक पेज एक न्यू ले लेता हूँ, इसमें भी रेंडमली कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, ये बहुत ही यूजफुल है। अगर बोल दिया है कि जल्दी से कुछ टेक्स्ट टाइप करो, ऐसे कर देना यार, बड़ा शॉर्ट तरीका है, इससे आपका जो भी काम होगा
मिनटों का काम ये सेकंडों में हो जाएगा, जो कि आपका इतना टाइप करने में 2-3 मिनट लगेगा, मतलब मुझे 2-3 मिनट आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग होगा, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना लिखोगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टाइल्स का ऑप्शन, इसमें आप स्टाइल दे सकते हो अलग अलग, जैसे ये मैंने ये देखो ऐसा ऐसा ये दे दिया, अलग अलग यहाँ दिख रहा है, और उसमें आप अपने हिसाब से स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं पहले क्या करूँगा, ये जो हमारा स्टाइल है, ये जो हमारा ब्लू कलर का स्टाइल है, अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी। ये देखो मैंने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे गया, अभी क्रिएट स्टाइल, और उसको कोई नेम दे दो, स्टाइल वन मैंने नेम दे दिया, ओके कर दिया। देखो यहाँ पे जुड़ गया ना स्टाइल वन, अभी मैं इतने को सेम स्टाइल देना चाहता हूँ स्टाइल वन। देखो मेरा जो स्टाइल था ये यहाँ पर आ गया, इससे आप अपने तरीके से स्टाइल इसमें बनाकर ऐड कर सकते हो कि जो स्टाइल। फिर यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो वो तो ऑप्शन आपको पता ही होगा कि यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करो या फिर वहां से। फिर अप्लाई स्टाइल, यहाँ से जो भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो उसको अप्लाई करो, मॉडिफाई करो बस। मतलब इसमें हेडिंग के तौर पे जैसे अलग अलग हेडिंग बनाते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो इस वाले पे आ जाता हूँ मैं, पहले यहाँ पर मुझे चाहिए एक हेडिंग, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने कुछ लिख दिया, इसको मुझे मेन हेडिंग बनाना है, तो मैं इसमें हेडिंग 1, 2, 3 में ये वाली हेडिंग, मतलब ये मेन हेडिंग, फिर इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। जैसे मेरे ये कोई पॉइंट हो गया, मैं इसमें लिख देता हूँ कंप्यूटर मैंने लिख दिया इसमें, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में, तो ये हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा, और उसके बाद ये उसके बारे में डिटेल्स, इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये हमने अभी इसमें दिया है बस टाइटल, अभी इसको हम हेडिंग 2 बनाएंगे। यहाँ से बस हेडिंग इसमें दोगे, हेडिंग के बारे में अलग अलग टेक्स्ट का स्टाइल दो, उसमें आपको डिफॉल्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे जो कि आपको बनाने नहीं पड़ेंगे और वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक एडिटिंग का ग्रुप ओपन होता है, एडिटिंग ग्रुप, जिससे आप कुछ भी एडिटिंग करते हो, तो पहले तो ऑप्शन आता है देखो फाइंड का है, फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये पूरा मेरे पास ये पूरा डाटा है, इसके अंदर मुझे कोई वर्ड, मैं सोच रहा हूँ इसमें मुझे फाइंड करना है वे मुझे फाइंड करना है, अभी मैं एंटर करूँगा तो वे देखो यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पे इसमें भी देखो यहाँ पर वे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखो, मतलब इसमें जिस पैराग्राफ में वे है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। अभी मैं और कोई यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मैं द दे देता हूँ, द देखो एंटर करूँगा, देखो यहाँ एंटर भी नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर द ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, जिस पेज में द है वो हाईलाइट हो गया। यहाँ देखो पूरे पेज में इतना ज़्यादा द है कि हाईलाइट हो गया द, देखो ये सब द से इतना हाईलाइट हो गया। अभी मैं देन को हाईलाइट कर देता हूँ, तो देखो देन जहाँ पर होगा, देन किसी चीज के अंदर आएगा देन, तो वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे आप बस हाईलाइट करोगे जो भी खोजना है आपको इसमें, जैसे मेन वर्ड कोई हो गया, मान लीजिए आपको इसमें कोई मेन वर्ड खोजना हो गया तो उसको खोजोगे यहाँ से, फिर रिप्लेस, ठीक है। इसमें देखो मान लीजिए फाइंड वर्ड, मुझे इसमें खोजना है वर्ड, मतलब देन खोजना है और उसकी जगह पे मुझे रिप्लेस करना है। जैसे देखो यहाँ पर देन कहीं पर दिया था, मान लीजिए मैं थीम दे देता हूँ, थीम हो गया। देखो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा एक जगह थीम, दो जगह थीम दिख रहा है अभी, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। अभी देखो मुझे एक रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस करूँगा, देखो यहाँ पर थीम की जगह ये थीम आ गया, ठीक है। अभी मैं रिप्लेस आल पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो जहाँ जहाँ पर थीम है, ये भी थीम है, यहाँ पर भी थीम है, तो वहां पर ये लिखा जाएगा, उषा लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर हो गया ना उषा, यहाँ पर भी, मतलब 8 जगह पे हमारा ये रिप्लेस हुआ है, मतलब जो वर्ड को कहीं से रिप्लेस करोगे। ये है हमारा सिलेक्ट आल शॉर्टकट की, पता है कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगा। फिर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैं यहाँ से पहले कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई शेप हो गया। अभी ये देखो छोड़ दिया मैंने इसको, सिलेक्ट में गया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो बस आपको रेंज देना रहेगा। जैसे ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, ना कि यहाँ से टेक्स्ट को,
देखो इतना पूरा रेंज मैं दे दूंगा, पहले देखो पहले तो आपको रेंज दे देना होगा। मैं इतना रेंज दे दे रहा हूँ, इस रेंज के अंदर जो भी इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ ना, मतलब मुझे सिलेक्ट करने की, ये मान लो पूरा इस ये जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड में, देखो मैं इसको बैकग्राउंड में भेज देता हूँ, नीचे आएगा नहीं। फिर उसके बाद सिलेक्ट पेन, मतलब कि इसमें मैंने सेप इंसर्ट किया, ये जो हमारा सेप है ना इसको रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल वन यहाँ पर आना चाहिए। देखो रेक्टेंगल वन नहीं ये आएगा टू, क्योंकि हमने एक और पहले इसमें इस सीट में रेक्टेंगल इंसर्ट किया हुआ होगा। और इसका यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो, जैसे ये चेंज करना है ना नेम, अगर मैं इसको दे दूँ कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, ठीक है। इसका नेम ये है इस सेप का, अगर ये कहीं पर लिखोगे तो इसी सेप को लेगा यहाँ पे। फिर अभी मैं देखो मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो अभी सिलेक्ट पेन में ख़त्म, मतलब जो भी हमने दिखाया था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी इसको बताया था कि हमको ये सेप चाहिए, तो अब इसमें सेप है नहीं तो वो कैसे दिखाएगा, जब तक उसको कोई कमांड पर सिलेक्ट आर टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी फॉर्मेट जो भी इसमें टेक्स्ट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे उसी फॉर्मेट में। सिलेक्ट पेन में जाओ, नहीं कुछ है, मतलब जो हमारा है वो इसमें सिलेक्ट हो रहा है और जो नहीं है वो नहीं हो रहा है। तो अभी देखो मैंने आपको फाइल टैब बताया, अभी होम भी पूरा बता दिया, बताया ना ये पूरा, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, ये एडिटिंग का ग्रुप, सारा ग्रुप मैंने बता दिया। और ये भी बता दिया कि इसको आप सो हाइड कैसे कर सकते हो, मतलब ये रिबन को हाइड कैसे कर सकते हो, यहाँ से ऑटो हाइड रिबन, ठीक है, और यहाँ से पूरा रिबन को सेट सो टैप्स एंड कमांड्स। और यहाँ बस देखो मैंने ऑटो हाइड रिबन मतलब पूरा ये हाइड कर दिया, और यहाँ सो टैप्स मतलब ये बस सो टैप्स पे अगर क्लिक करते हैं तो बस जो भी आपके यहाँ टैब मेन्यू रहेंगे वो सब दिखाई देंगे, और सो टैब्स एंड कमांड्स जो भी रिबन में कमांड्स होंगे वो सारे शो होंगे। और उसका शॉर्टकट भी कंट्रोल प्लस F1 नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो MS Word का फाइल और होम टैब सारा मैंने ख़त्म कर दिया। तो अभी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम इंसर्ट के बारे में बताएंगे। अभी तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आप एमएस वर्ड में फाइल टैब का क्या क्या यूज करोगे और होम टैब का, तो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप इंसर्ट टैब का कैसे यूज करोगे। तो अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो इंसर्ट पर होने वाली है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय।